डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनएथ सेकंड अगर तुमको निकालना है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है पहले इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते एक इंसान चल रहा है, तुम पहला सेकंड किसको बोलते हो? ये टाइम वाली मैंने एक्सिस एक बना रखी है, 0 1 2 3 ऐसा, समझ गया? तो तुम कब बोलोगे एक सेकंड? कब बीत गया तुम कब बोलोगे? जब तुम यहाँ पर हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? एक सेकंड बीत चुका है, समझ गया? ऐसा 2 सेकंड बीत चुका है, तुम कब बोलोगे? जब तुम टू पर रहोगे, ऐसा। पहला सेकंड तुम कब बोलोगे? ये है पहला सेकंड, समझे? ये फर्स्ट सेकंड है, क्लियर के बाद। सेकंड सेकंड कौन सा है तुम्हारे पास? ये टी इक्वल्स टू 1 से टी इक्वल्स टू 2 तक के बीच की जो दूरी है, समझ गए क्या? वो है तुम्हारे पास पहला सेकंड। तो देखो यहाँ पर डी वन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड। तो वो डी वन एक्चुअल में होगा कितना? देखो यहाँ पर ये होगा डी वन, ऐसा, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, बात डी टू, डी टू कितना होगा? ये होगा, क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, समझ पा रहे हो बात? अब देखो अगर तुमको डी टू अगर निकालना है, डी थ्री कितना होगा फिर, एंड सो ऑन सो फोर्थ, समझे क्या? ये ऐसा सो ऑन सो फोर्थ ऐसा चलता जाएगा फिर ये मामला, ठीक है, बात क्लियर है चीज़? तो अभी अगर डी टू अगर तुम्हें निकालना है, कहाँ गया? नहीं बे, सेकंड सेकंड में, उस पर्टिकुलर सेकंड में वो कितना चल रहा, समझे क्या? ऐसा, ठीक है, के बाद तो वो डी टू मतलब वो बीच वाली चीज़, समझे क्या? जब वो टी इक्वल्स टू 1 से टी इक्वल्स टू 2 तक जितना चल रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड है, समझे क्या? ठीक है बात। जैसे इसी तरह से चलते हुए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डी 100, वो चीज़ कितनी हो जाएगी? 100th सेकंड, ऐसा। तो वो हाँ बस ये 19 है, समझ गए ना? ये तो कुछ ऐसा है नहीं कुछ खास इसमें से। इक्वल इनफैक्ट नहीं ही रहेंगे, समझा क्या? इक्वल तो छोड़, इक्वल नहीं ही रहेंगे ऐसा तू बता सकता है, समझे क्या? प्रूफ भी कर सकता है एल्जेब्रिकली, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें देखो तुम्हारे पास डी वन डी टू डी थ्री ये सबका एक जनरल एक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। अभी वो एक्सप्रेशन मैं भूल रहा हूँ, कुछ रहता है यू प्लस हाफ इस टाइप का, ऐसा कुछ है, ए टाइम्स एन माइनस वन इस टाइप का कुछ है एक्सप्रेशन, वो याद नहीं रखता हूँ मैं। नहीं, एक्सेलरेशन चल रहा है बाबा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, समझ गए? चल अच्छा हुआ तूने पूछा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, समझ गए? ठीक है बात। तो यहाँ देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वही 3 इक्वेशन, समझ गए? ठीक है बात। अब देखो जरा एस एक्चुअल में तुम्हें क्या देता है। एस वन गिव्स यू, एस वन एक्चुअली गिव्स यू, यहाँ देखो छोटा नहीं होगा क्या बे साला? एस वन इज डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, एस टू बराबर डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड। तो यहाँ देखो एस टू एक्चुअल में कितना होगा? इनिशियल पोजिशन क्या है उसकी? ओरिजिन हो ये है ना, ये तुम्हारा यहाँ से वो शुरू कर रहा है, ठीक है क्या? तो एस वन तुम कैसे लिखोगे? एस वन इज डी वन, ये एस वन तो है, क्या बोलते हैं? लेकिन एस टू क्या होगा? हाँ डी वन प्लस डी टू, क्या बोलते? समझ गए? तो उसमें S100 क्या होगा भाई पूरा, समझे क्या? डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्लियर है के बाद? तो उसमें ये चीज़ कितनी हो जाएगी बोलो? ये हो गया डी वन, ये चीज़ कितनी हो जाती है डी वन प्लस डी टू ऐसा। तो इसी तरह से S100 वो चीज़ कितनी हो जाएगी बोलो? डिस्प्लेसमेंट इन 100 सेकेंड, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? कितना हो जाएगा? डी वन प्लस डी टू अप टू D100, क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट भाई कितना हुआ? S100 का मतलब 100 सेकंड में कितना चला, समझेगा? 100 सेकंड में कितना चले तुम, ये वाली चीज़, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो उसमें देखो nth सेकंड में तुम कितना चलोगे? यहाँ देखो dn अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो dn वाली चीज़ कैसे कैलकुलेट करोगे? ये अगर n अगर तुम चल गए तब तो पूरा पूरा Sn तक चल गए हो, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ मान लेते हैं n माइनस वन है, यहाँ मान लेते हैं n है, समझे क्या? ये वाला पॉइंट क्या है? टिल nth सेकंड, और ये वाली चीज क्या है? टिल एन माइनस वन एथ सेकेंड, क्लियर के बाद? तो यहां तक एस एन माइनस वन होगा, क्या बोलते? और यहां तक एस एन होगा, तो ये वाली चीज डी एन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या बोलते हो? क्लियर है बातें? तो एस एन तुम्हारे पास है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
तो टी की जगह क्या लिखोगे? डिस्टेंस 17 n सेकेंड्स ना, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या बोलते हो? क्लियर है बातें? थोड़ा सा मैं गॉड मोड ले रहा हूँ, थोड़ा कंसंट्रेट करना अच्छे से, ठीक है क्या? ये यू है सालो, एन नहीं है, समझ गए? ये यू है, ध्यान रखोगे एन जैसा दिख रहा है वो, थोड़ा सेपरेट बना, पूंछ थोड़ी अच्छी कर लेते हैं। अच्छा मतलब ये बोल रहे हैं साले कि सर आपकी हैंडराइटिंग तो है बड़ी ख़राब, लेकिन हम ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, हम समझ लेते हैं सर, समझ गए? तो खैर, अरे क्या किए हो सालो, अब उठा लो पहले उसको, जब तक उठाओ नहीं तब तक शांति मिलेगी नहीं तुम्हारे मन को, है? ब्रह्म ही होगा ये, किसने गिराया था? हाँ भाई हाँ, ठीक है। डिस्टेंस 17 ns, ठीक है हाँ, ठीक है क्या बात? वो तो एकदम फिगर में मार्क कराया हुआ है एकदम अच्छे से, किसी को अगर जरा भी कहीं कुछ चुभे, ठीक है क्या, तो तुरंत उसी वक्त बोलना है भाई, डिस्कशन में उसी वक्त रोकूंगा और अपन गप्पे शप्पे मारेंगे, जब तक ये गप्पे शप्पे मारेंगे जब तक तुम्हारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए। बाद में अगर तुम नंबर नहीं उठाओगे और तुमने अगर ये बोला कि चीज़ें हमें समझ में नहीं आई थी, तो सालो एकदम पहले तो मैं जूते मारूंगा, उसके बाद पेरेंट्स जूते मारेंगे, बता रहा हूँ मैं, समझे क्या? अच्छे से मैं जूते मारूंगा, ठीक है क्या? उसके बाद सर हम तो बेहोश थे ना, आपको तो पता ही, हम इंजेक्शन लगा के घुसते थे, ठीक है क्या, है कि नहीं? तो बेहोश रहते थे, कहाँ कुछ समझा सर, ठीक है क्या? समझा भी नहीं, इसलिए नंबर नहीं आया, वाली सिचुएशन नहीं आने को होना, समझ गए? तो डिस्कशन अगर तुम्हारा क्लियर है, पक्का है, तो उसमें कोई भी सवाल तुमसे बन जाएगा। वैसे मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि डीसी पांडे के पूरे जितने भी तुम्हारे सॉल्ट एग्जाम्पल्स वगैरह रहे, वो सारी चीज़ें भी अपन पूरा पूरा लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है क्या? तो खैर यहाँ देखो, यू कैसा अगर तुम कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, देखो लिख देता हूँ पूरा पूरा, ठीक है? ये ऐसा एन माइनस क्या हो जाएगा बोलो? हाँ एन माइनस एन प्लस वन, क्या बोलते हो? ये आ जाएगा, क्लियर है के बाद? अब देखो हाफ ए अगर कॉमन उठाओ, ठीक है क्या, तो क्या बनेगा? देखो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, है? किसी को बुरा तो नहीं लगा भाई? चलो तो यू लिख दे रहा हूँ बस, समझ गए, ठीक है बात? प्लस तुरंत, समझे? तुरंत थोड़ा जोर लगा, देख हाँ, तू वो चश्मा जो पहनी है ना उसकी वजह से नहीं समझ रहा तेरे को, समझे क्या? वो चश्मा जिम्मेदार है, ठीक है? अब देख समझ गया होगा, देखा, देख समझ रहे आप? वो खुद ही समझ लेगी भाई, तुम लोग अपना कंसंट्रेट करो, वो मेरी भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ प्रभु, जरा तकलीफ हुई नहीं कि सालों एकदम इनका सायरन बज उठता है पट्टे से, समझे क्या? खैर क्लियर है बातें? हाँ उधर शोभित, ठीक है ठीक है। तो हाफ ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बे? ए प्लस बी, ए प्लस बी, समझे क्या? चलो ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा? वन, क्या बोलते हो? ठीक है क्या? ए माइनस बी तो यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो दिख रहा है क्या? ठीक है क्या? तो आगे बढ़ते हैं, कदम फूक फूक कर रखते हुए, समझे क्या? तो बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1, क्या बोलते हो? यू प्लस हाफ ए 2n-1, इस इक्वेशन को देखकर तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है क्या? ये आ रहा है आंसर, सही है वैसे, एक्सप्रेशन तो ये आता है, तुम पहले छाप लो उसके बाद देखते हैं अपन। कहाँ गया बे? हाँ लिखा है मैंने, हेडिंग डाली भाई। थोड़ा क्विकली लिखना, काम आज ज़्यादा करना है अपने को। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है क्या, ब्रैकेट में लगा लेना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? हाँ अभी तो बस मैंने, अभी तो अपन गपशप कर रहे हैं बस, गपशप मतलब डिरेवेशन, समझे क्या? स्पीड में लिखना थोड़ा, वो तो टाइमलाइन बना लो प्यार से, उसमें 0 1 2 3 मार्क कर दो, और उसके बाद S1 S2 S3 इनिशियल पॉइंट से लेना, और D1 D2 D3 दो पॉइंट्स के बीच में लेना, ध्यान रखो। D3 कहाँ से लोगे? 2 से 3 तक, ध्यान रखो। हाँ भाई 100 तक बना ले, हो गया ना, ठीक है। मार्किंग्स क्लियर रखना अच्छे से, ताकि नोट जब खोलो तो वापस ऐसा ना हो जाए कि तुरंत बंद करने की नौबत आ जाए, अरे बाप रे क्या हो रहा है, ठीक है? उसमें साले फिर तुम बना के भेजोगे सर ये कैसे किया था, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? ना पता चला साले 99 की जगह 100 लिख रखा है, 100 की जगह 99 लिख रखा है, गड़बड़ सड़बड़ लिखोगे, कचरा करोगे। इज्जत से बनाओ, प्यार से, फट से करो। दिख रहा है, दिख रहा है, सब दिख रहा है।
लड़का आता है 10वीं CBSE का, श्रेयन नाम का, ये इसी शोभित के स्कूल का टॉपर है वो, ठीक है, सॉस का। हाँ तो वो गाली खूब खाता है लेकिन टॉप करता है वो, समझे? उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल ऐसी है, सेम। शोभित कैसा गोल गोल लिखता था मस्त प्यार से, और कैलकुलेशन मिस्टेक कराता था साला 2 नंबर की, समझे? वो शोभित ही है सेम, साला कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करता, लेकिन साला शोभित थोड़ा सा कर जाता था, बड़ी चिड़ मस्ती थी। नहीं याद है ना मेरे को, सब फ्रस्ट्रेट करता था ये। नहीं सर सब बनाया हूँ लेकिन 2 नंबर का कचरा करके आ गया हूँ। सर से पूरे आ जाएंगे तो भूकंप आ जाएगा ना, पूरे आ जाएंगे तो उस दिन दुनिया खत्म। ये खुद अपनी ताकत से डरता था एक्चुअल में, कहीं अगर मैं पूरे ले आया तो साला उसके बाद क्या करूँगा, मेरी जिंदगी में कुछ एम ही नहीं बचेगा फिर तो। अरे मैं पूरा इंप्रूव हो गया, ये ऐसी सोच थी इसकी, सच है। पूरे नहीं लाने भाई, कुछ रहना भी तो चाहिए ना ये लाइफ में, एम कुछ बचा हुआ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये इसका एम था, सच है। शाहिल और पुष्कर कैसा लालची थे भाई इन लोग जैसे, दिया कैसी लालची, एकदम घन्नाट लालची, समझे? वैसे ही होना भी चाहिए, ठीक है। साहिल ब्रह्मा चिल है, समझे? निखिल भी अपना चिल है, बाकी जानवर ही मेहनती है। साहिली का तो पेपर चेक होने के बाद 4 दिन बाद नंबर चढ़ते हैं, समझे? क्योंकि तब तक इसका कॉल आ जाता है कि भाई इतने चढ़ाने, ठीक है। अबे कर लिया क्या? लिखते लिखते समझते भी जाना भाई, तो लिखने की स्पीड उतनी, मत ऐसा भकभका के मत करना कि एकदम मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा क्या उतार रहे हैं करके, ठीक है, अंधा बहरा कुछ भी उतारे जा रहे हैं, वैसा नहीं करना। तो लिखते लिखते समझते भी रहना। किसी को कोई लफड़ा है क्या इसमें? हाँ ठीक बोला, एपी तो है, एपी है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ सेम रहते लेकिन रहेंगे नहीं, तो खुद देख लेना नहीं रहेंगे। देख एक सेकंड एक सेकंड, जो ये डीएन है क्या यही कॉमन डिफरेंस नहीं है क्या बे, और वही एन पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, क्या कॉमन डिफरेंस कैसा बढ़ता जाएगा, समझे क्या? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है ना बॉडी का, तो D1 छोटा रहेगा, D2 बड़ा रहेगा, D3 और बड़ा रहेगा, समझे क्या? बढ़ता जाएगा वो। ठीक है, एक्चुअली तुम D1+D2 देख के बह गए होगे थोड़ा भावनाओं में। अब ऐसा क्या लिख रहे हो? हुआ नहीं, डायग्राम वायग्राम तो हो गया होगा। स्टेट बोर्ड के सिलेबस में सब है नहीं, लेकिन ये ध्यान रखो, समझे? पर इससे अपना सोच का दायरा तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। उसके अगर तुम काइनेमेटिक्स अगर खोल लोगे तो वहीं, नहीं बोर्ड में नहीं है वो, टेक्स्ट बुक वाली अगर तुम खोलोगे ना, उसमें काइनेमेटिक्स नाम का कोई चैप्टर नहीं है, उसमें उसमें पूरा 2-3 चैप्टर एक साथ घोटा मार के एक पेज में बना के उसको दे दिया है। सवाल वगैरह तो दूर की बात है, तो अपन जितना अपने को ज़रूरत है अपन उतना लेंगे हर किताब से, ध्यान रखना। इसमें इसी में देख, उसमें N-N+1 ऐसे खुलेगा ना ब्रैकेट, तो U के अंदर बचा क्या? 1, तो उसको लिखा नहीं मैंने, ठीक है क्या? U आ गया, फिर हाफ ए N²-N-1 का होल स्क्वायर, मैंने आइडेंटिटी लगाई है A²-B², तो N+N-1 कितना हो जाएगा? 2N-1, और एन माइनस पूरा N-1 हो जाएगा 1, समझेगा? तो वो चीज़ हो जाएगी 2N-1, समझ पा रहे हो क्या? यार अब इसको मैं तो याद रखता नहीं हूँ, समझेगा? मेरे को तो मैं वहीं डिराइव कर लेता हूँ भक्क से, और डिराइव क्या करना, जो पूछा वो निकाल दूंगा, मेरे को इतना भरोसा है, मैं याद नहीं करता हूँ इसको लेकिन, ठीक है। साहिल पट्टा से लिखता है, एक बार उसकी कॉपी देखनी पड़ती है, एकदम समझने के टाइम पे भी लिखते रहते सालों, लगता है लिखता तेज है लेकिन। अब मेरे को तो नंबर से मतलब है, तुम्हें भी नंबरों से मतलब होना चाहिए, लिखने की स्पीड बेचारे किसी की कम हो किसी की ज़्यादा है। मृण्मयी देखो समझना भी तो पड़ता है ना, एन लिखा है कि यू लिखा है? ठीक है।
क्लियर है? जानवी लिख ली है उधर, मोनो वो भी बेचारा थोड़ा आराम से लिखता है, जानवी की हैंडराइटिंग के साथ वो लिख लेती है, सोचो समझे, ये अपने आप में एक अलग टैलेंट है। मेरे को यकीन ही नहीं हुआ था कि इसने जब बोला ना कि मेरा पेपर पूरा हो गया था 10वीं सीबीएसई का, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी हैंडराइटिंग देखी क्या तुमने कभी? देखना कैसी रहती है एकदम। हाँ अच्छी है अच्छी है, और उसमें वो ऐसा लिखती है कि एकदम जैसे सामने वाले को समझा रही हो, सामने वाले का बहुत ख्याल रखती है, समझे, भले सवाल के अंजाम तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन सामने वाले का ख्याल पूरा रखती है। गलत भी अगर हो रहा होगा सवाल, पूरा उसमें दमखम लगाती है। इस लड़की ने, अपन ने पहले एक सैम्पल पेपर लिया था ना, वो पूरा फुल वाला 80 मार्क्स का, उसने एक नंबर के सवाल में जो मेहनत दिखाई थी भाई, मेरी आंखें भर गई, समझे। मेरा मन तो कर रहा था कि सारे नंबर उसी में दे दूँ, एक नंबर का अगर ये नहीं होता ना, फिर मैं देखा यार ये तो एक ही नंबर है, ज़्यादा ज़्यादा कर भी क्या पाऊंगा। तब इन सालों को मैंने बोला कि तुम सालों को 4 नंबर पर पहले अपना ध्यान फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना। खैर तो कैसे भी करो पेपर तो पूरा हो ही जाता वैसे, लेकिन इसने जो शिद्दत से पाइथागोरस थ्योरम लगाया था भाई, समझे क्या, एक पन्ने का ट्रायंगल वैंगल लगा के नाम वाम करके, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम पे सवाल भी नहीं था वो, ठीक है, फिर भी जो उसने एक एक स्टेप समझाने के लिए इतनी मेहनत की थी। नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि पेपर शुरू कर रही है ना, इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, पहले सवाल में जो कुछ आता है सब दिखाऊंगी मैं तो, समझे ऐसा, ठीक है। तो खैर पहले इसीलिए 4 नंबर वाले कर लेने से फायदा रहता है, ठीक है, तो पहले नंबर अपनी झोली में आ जाते हैं। क्या क्या? हाँ ये अच्छा किया तूने, ये अच्छा किया, बढ़िया। इसमें जैसे आहान वगैरह जो थे, जैसे साहिल वगैरह पुष्कर वगैरह भी थे, हम लोगों ने, याद है मेरे को, कि पेपर सॉल्व करने के पहले स्ट्रेटजी वगैरह अच्छी से डिस्कशन की थी कि भाई वो क्या करना कैसे करना, पेपर आएगा तो ये ऐसा वो वैसा, ठीक है क्या। पेपर तुम्हारे कैसा है, एक सेट साला थोड़े से दूसरे से ज़्यादा भारी था एक्चुअल में, वो जो ये साहिल पुष्कर वाला था ना, ये थोड़ा सा हैवी था ये, ठीक है क्या। साहिल पुष्कर को एक ही सेट था कि अलग अलग था? अच्छा, नहीं वो वाला सवाल वो कॉस स्क्वायर थीटा वाला किस में था वो? हाँ वो तुम्हारे में था क्या? और तेरे में उसके बदले में क्या था पेपर में, सवाल में डिफरेंस क्या था तुम दोनों में? अच्छा देखा नहीं क्या, चलो खैर खैर, वो सेट में एक्चुअल में करना क्या चाहिए, बस सवाल ऊपर नीचे करने चाहिए, ठीक है क्या, लेकिन सवाल ऊपर नीचे करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ठीक है, चलो खैर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो क्या है सर, अबे वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एच सेकेंड है ना, इसीलिए मैं उसको, मतलब वो कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो नोटेशन इस्तेमाल किया है, मैंने उसमें डिस्प्लेसमेंट टिल एन सेकेंड्स उसको एस एन से डिनोट किया है, समझा क्या। तू ये वाला सवाल कभी बोर्ड में तो लिखेगा नहीं, तेरे से बनना चाहिए ऑब्जेक्टिव वाले सवाल बनने चाहिए, समझे, इससे बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसका नोटेशन मैं थोड़ी देख रहा हूँ, उससे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें वो टॉपिक दिखता जा रहा है तो मैं अपना करता जा रहा हूँ, बस बातचीत करता जा रहा हूँ मैं, और क्या, समझे क्या। अबे तेरे को मतलब समझ में आना चाहिए वो डी एन है क्या, ठीक है क्या, तेरे को मतलब समझ में आना चाहिए वो डी है क्या, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एच सेकेंड, क्लियर है के बाद, ये तेरे को मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई वो है क्या, डिस्प्लेसमेंट डिल एन सेकेंड्स, ठीक है क्या। अब वो जब सवाल आएगा तो तू कर लेगा, तेरे को बस ये डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का मतलब क्या है। यहाँ देखो एक चीज, यहाँ इसकी डायमेंशन देखो मीटर पर सेकेंड है, दिखता है क्या, ऐसा ही में इसके डायमेंशन देखो मीटर पर सेकेंड है, इसके डायमेंशन देखो क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके डायमेंशन देखो क्या है सेकेंड, समझ गए क्या बोल रहा हूँ, ठीक है क्लियर है ये बातें। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं लग रहा क्या तुमको, ये तो मीटर होना चाहिए, तो ये तुम सोच के आना, ठीक है क्या ये तुम सोच के आना, ठीक है ठीक है क्या। एक्चुअल में मैं बता देता हूँ ना, फालतू खिनविनाओगे, ठीक है क्या, यहाँ नहीं 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 यहाँ एक्चुअल में हो ही रहा है। देखो जो तुमने इसमें मल्टीप्लीकेशन किया था, तो यहाँ देखो यू के साथ ये वाली चीज़ क्या है, एक सेकंड आ रहा है ना, ये यहाँ पर तुमने लिखा नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पर वन मल्टीप्लाइड है, समझे गए ऐसा, तो वन सेकंड एक्चुअल में मल्टीप्लाइड है वहाँ पर, समझ गए, ठीक है क्या। और देखो यहाँ पर भी एक वन सेकंड मल्टीप्लाइड है, ठीक है क्या, हाँ तो एक सेकंड सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो गया, एक सेकंड तो मिल ही रहा है 2n-1, समझे, और उधर एक सेकंड और भी है, ठीक है क्या, ये दिख रहा है क्या ये वाला वन, और एक देखो ये वाला वन मैंने लिखा नहीं है, वहाँ डायरेक्टली यू लिख दिया है, ठीक है क्या, क्लियर है बात। तो वो सेकंड सेकंड एक्चुअल में जब मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर मीटर में आ जाएगा, कितने को नहीं समझा, क्लियर है बातें। खैर आगे बढ़ते हैं, वन एक्चुअल में वो सेकंड वाला था ना, वो मल्टीप्लाइड था एक्चुअल में, तो वहां मैंने लिखा नहीं है वो वन सेकंड, समझे, ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है कि मीटर पर सेकंड दिख रहा है एक्चुअल में, यू के साथ मल्टीप्लाइड है ना वन सेकंड, ठीक है क्या। तो न्यूमेरिकली एक्चुअल में उसकी वैल्यू यही रहेगी, डायमेंशनली उसको गलत मत समझ बैठना, गलत नहीं है वो, समझ पा रहे हो बात, ठीक है क्या। खैर आगे देखते हैं,
कुछ सवाल एक्चुअल में जो आते ही आते हैं हमेशा, सीटी में, जेडब्ल्यू में आना ही आना है तय, वो उस टाइप के सवाल कर लो, ठीक है क्या? देखो यहाँ पर, जैसे अगर मान लेते हैं तुमको ए दिया हुआ है और वी पूछा है, पहले ये बना लेना, समझ गया? जैसे पोजीशन पता है, उससे अगर वी निकालना है तो क्या करोगे? डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करोगे, समझेगा? पोजीशन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा तुम्हें? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हें क्या देगा? चलेगा, बढ़िया, ऐसा, समझ गए? ए को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? वेलोसिटी। ए को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? वेलोसिटी। और वी को अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? पोजीशन, या फिर तुम कहो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आता है एक्चुअल में, समझे गए? ठीक है क्या? वो डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्चुअल में, ठीक है बात? अब थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल वगैरह कैसे क्या करने हैं करके अपने को, ठीक है क्या? डिफरेंशिएट वाले भी और इंटीग्रेट वाले भी, ठीक है क्या? तो उसमें ये जो टेबल है पहले उसको बना लो, ठीक है? और उसमें हेडिंग लगा देना फाइंडिंग फाइंडिंग एक्स वी ए फाइंडिंग पोजिशन। हाँ, पोजीशन एक्चुअल में लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएट अगर तुम पोजीशन को, नहीं तो एक्चुअल में फिर ऐसा कर लो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर तुम करते हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा एक्चुअल में। ऐसे लिखते हैं अपन, वो ज़्यादा ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो चीज़ ठीक है, वेलोसिटी रखो उसको। फाइंडिंग एस कॉमा वी कॉमा ए यूजिंग कैलकुलस। हाँ, बस उसके नीचे ये पंचांग बना लो, समझ गए? पट्टे से स्पीड में बना लिया है? अरे कुछ नहीं, बस बना ले पट से। हो गया। अब देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर तुमको दिया हुआ है, एस ऑफ टी अगर तुमको दिया हुआ है, मान लेते हैं 2t² + 3t³। एस से वी जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है क्या? और अगर डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन जाना है तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। सवाल करेगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? सवाल करेगी समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या? तो यहाँ देखो, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t = 1, एक्सेलरेशन एट टाइम t = 4, ठीक है क्या? ये पार्ट वन हो गया, ये पार्ट टू हो गया, ठीक है क्या? बात निकालो पार्ट से। वी टी कितना लिख लोगे? वी टी, हाँ करो करो, तुम अपना करो, मैं अपना करता हूँ। ब्लैकबोर्ड मत देखो ना तुम फिर, ठीक है? अरे सालो, ये क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है क्या? बात मीटर्स में, समझे क्या? ठीक है, तो वेलोसिटी का फंक्शन कैसे लिखते हैं? फट से लिखो, अब तक तो हो जाना चाहिए, कितों का हो गया वेलोसिटी? हाँ, चलो, और इधर टी इक्वल्स टू, पूरा अच्छे से लिख लेना भाई, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ऐसा ऐसा, ठीक है एकदम प्रॉपर। अबे वेलोसिटी निकालनी है टी बराबर 1 पे, ये पार्टिकल चल रहा है, कैसे चल रहा है तेरे को कैसे पता? देख टी बराबर 1 पे ये कहाँ पर है, देख टी बराबर 0 पर कहाँ पर है, देख इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, देख ओरिजिन से कितना, देख 2 × 0² + 3 × 0³ कितना आ रहा है, देख 0 पर है, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है? 0।
ठीक है क्या? टी बराबर जीरो पे डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है, टी बराबर वन पे डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, टू वन स्क्वायर प्लस थ्री वन क्यूब, ऐसा कितना हो जाएगा पाँच। इसका मतलब इनिशियल पोजिशन से टी इक्वल्स टू वन तक वो कितना चल गया है, 5 मीटर, ऐसा। ये हो गया टी इक्वल्स टू वन में वो इतना चल गया है, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है क्या? तो मूव कर रहा है ना वो पार्टिकल, टी इक्वल टू टू पे देखो कहाँ पाया जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है ध्यान रखना, टी इक्वल टू टू पे वो कहाँ पाया जाएगा देखो, टू टाइम्स टू स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स टू क्यूब, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही बोलो, चार दुनिया आठ प्लस आठ या चौबीस बराबर 32 आ गया। तो इसका अब वो कहाँ पर है देखो, टी बराबर थ्री पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट दिया ना तुमको, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तुम कहाँ पर हो देखो, 32 मीटर्स पर, ऐसा। ये तुम्हारी अभी पोजीशन है, समझ गए क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है क्या? पोजीशन का रेट ऑफ चेंज नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है भाई तुम्हारी, अप टू टू सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, 32 मीटर्स। स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी 32 मीटर हुई है, इसका मतलब तुम ओरिजिन से कितना आ गए हो, प्लस आ रहा है ना, प्लस 32, समझ गए, क्लियर है बात? डिफरेंस अगर पोजीशन होता नहीं, डिफरेंशिएट थोड़ी है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ ना मैं, अरे डिस्प्लेसमेंट का तो ऑलरेडी फंक्शन दे रखा है पगले, ये देखना डिस्प्लेसमेंट का तो फंक्शन है, तो बस खाली वैल्यूज रखूंगा और निकाल लूंगा, वी का फंक्शन निकालना है तुमको, समझ गए क्या? ये क्या दे रखा है ये बता रहा था मैं, समझे गए क्या दे रखा है करके, पार्टिकल मूव कर रहा है दिख रहा है क्या है? टी बराबर वन पे देखो अलग वैल्यू आ रही है डिस्प्लेसमेंट की, टी बराबर टू पर, तो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, और वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू एट एनी टाइम टी कितना आएगा बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा क्या बोलते हो, समझ गए? एस टी कितना देखो तुम्हारे पास, एस टी कितना है भाई तुम्हारे पास, ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ एस टी है टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी क्यूब, तो ये इसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा भाई, टू को बाहर रखो वो हो गया टू टी प्लस, फिर थ्री को बाहर रखो, डिफरेंशियल वाला जो ऑपरेटर है वो प्लस माइनस साइन के क्रॉस स्प्लिट करता है, याद है कि नहीं याद है, थ्री टी स्क्वायर, तो थ्री को बाहर रखा मैंने, टी क्यूब को जैसे डिफरेंशिएट किया ये आ जाएगा मेरे पास, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है बातें, समझ रहे हो? हाँ तो रुक तो भाई, पहले फंक्शन तो निकालने दे, तो मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ रहा है बोलो, 4t प्लस 9t स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है चीज। अब वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 कितनी हो जाएगी बोलो, 4 टाइम्स 1 प्लस 9 टाइम्स 1 स्क्वायर, t इक्वल्स टू 1 बोला है, कितना बोला है, हाँ 1, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकंड, ऐसा ठीक है क्या? v एट टी इक्वल्स टू वन कितना हो गया, 13 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है चीज, इसको लिख लो फटाफट, ठीक है, समझ में आ रही है बातें, क्या नहीं समझा बोलो, वी टी डेफिनेशन क्या होती है वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन है, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समझ गया? देखो ऊपर मैंने सारी डेफिनेशन वगैरह एक साथ इकट्ठी लिख रखी है, देख रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर तू करेगा तो तेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, दिख रहा है क्या? उसका जब रेट ऑफ चेंज तू करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो तेरे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को अगर तू इंटीग्रेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो तेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को तो अगर इंटीग्रेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो तेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हो बातें, क्लियर है चीजें? अबे क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़िया। हाँ बस एक्सेलरेशन में क्या करोगे, वेलोसिटी का जो फंक्शन आया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक बार और मारो साले को, ठीक है क्या, कितना रहा है वो देखो, तुमने शुरू नहीं किया सालो, आंसर वंसर निकाल के बैठ गए वो लोग, जानवी हैं, दूसरा वाला कर अभी मैं बताऊंगा ना, लेकिन पहला वाला तो क्लियर है, ठीक है, अबे लिख चुके क्या, ठीक है क्या, एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाले, क्या लिखोगे भाई, डेफिनेशन बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यश एक्सेलरेशन क्या होता है, तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसा लिखोगे, वी टी अपन ऑलरेडी निकाल चुके,
क्या हो जाएगा बोलो, 40 प्लस 90 स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर करके हमने अपनी आधी जिंदगी बिताई है अभी तक के, तो वो तो करना ही है। टी का डिफरेंशियल कितना होगा बे? यश, टी का डिफरेंशियल कितना होगा? ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 9, फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2t, समझ गए? 2 नीचे आएगा, टी की पावर 2 माइनस 1, क्लियर है बातें? तो ये हो जाता है तुम्हारे पास 4 प्लस 18t। अब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका वेरिएबल एक्सेलरेशन आ रहा है, दिख रहा है क्या? क्योंकि टाइम पर डिपेंडेंट है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है ये, ध्यान रखना। तो इस सवालों में तुम्हारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बाकी v इक्वल टू u प्लस ए टी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है क्या? तो at कितना आ जाएगा? 4 प्लस 18t। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू कितना बोला है? 2 4 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 4 प्लस 18 टाइम्स 4, तो ये चीज जो आती है 76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है बातें? ठीक है क्या, लिख लो पहले तेजी से। लिख लिया है? कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो डिस्कशन करो, अगर कोई ऐसा है जिसको चुभ रही है कुछ बातें तो डिस्कशन करो। चुभ इसीलिए रही है क्योंकि तुमने घर पे नोट्स की प्रैक्टिस की नहीं होगी, अगर नहीं की होगी तो चुभेगा बहुत, समझे क्या? और समझ ही नहीं आएगा कि ए बराबर dv बाई dt क्या लिखा गया है करके। ठीक है क्या, ये लिख लिया है सभी ने? अब अगर कोई तुमसे पूछे, मान लेते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर तुम्हारे सामने दे रखा है और तुमसे पूछा जाए पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो करके, समझिएगा, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन, तो वी टी तुम्हें दे रखा है 2t प्लस 3, ठीक है क्या? ऐसा दे रखा है मीटर पर सेकंड, ऐसा दे रखा है मीटर पर सेकंड, उसमें तुमसे पूछा जा रहा है इनिशियली द पार्टिकल्स स्पीड, रुक जाओ, तुमसे एक्स वन अगर पूछा जा रहा है, ठीक है क्या, कितना होगा ये तुम्हें बताना है, और तुम्हें बताया गया है एक्स वन कितना होगा ये चीज़ तुम्हें बतानी है, और तुम्हें बताया गया है इनिशियली द पार्टिकल वॉज लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर्स, ऐसा उसकी इनिशियल पोजीशन तुम्हें दी हुई है एक्स इक्वल्स टू 2, तुम्हें ये बताना है कि एक्स पोजीशन उसकी कितनी होगी, टी इक्वल्स टू 1 कितनी होगी, समझे क्या? ये चीज़ तुम्हें बतानी है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें दे रखा है, ठीक है क्या, और पोजीशन तुम्हें बतानी है एट टी इक्वल्स टू 1, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इनिशियली द पार्टिकल वॉज लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर, समझिए क्या? तो यहाँ देखो सवाल बोल क्या रहा है, जाहिर सी बात है वी से पोजीशन की तरफ आना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो v तुम्हें अगर दे रखा है 2t प्लस 3, तो ये चीज़ क्या दे रखी है, dx बाई dt बराबर क्या दे रखा है, 2t प्लस 3, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट करो, एक तरह के वेरिएबल्स को एक तरफ रखो, 2t प्लस 3 पूरा इंटीग्रल ऐसा, अब फिर बनाओ सपोले, समझेगा? t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की इनिशियल पोजिशन क्या दे रखी है, x इक्वल टू 2, समझेगा, ऐसा x इक्वल टू 2, उसके बाद t इक्वल टू t पर अपने को पार्टिकल की पोजिशन निकालनी, समझ गए? क्लियर है बात, कैसे लिखी गई, कैसे लिखा गया है करके? अब इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स और लोअर लिमिट है 2 और फिर अपर लिमिट है तुम्हारे पास एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स t² बाय 2 प्लस 3t, यही होगा इंटीग्रेट करने के बाद, और वो 0 से t तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी बोलो, एक्स माइनस 2 बराबर ये टी स्क्वायर, ये बचेगा बस खाली टी स्क्वायर प्लस 3t, क्या टी इक्वल्स टू 0 पर मेरे पास दे रखा ना इनिशियल टाइम पर पार्टिकल की पोजिशन एक्स इक्वल्स टू 2 है करके, वो इन्फॉर्मेशन दे रखी ना मेरे को, ये देखो इसको पढ़ो अच्छे से, इनिशियली द पार्टिकल वॉज लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स टू 2, इनिशियली इसका मतलब क्या, टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की पोजिशन दी हुई है, समझ गए? तो क्या टाइम, टाइम दिया नहीं है मतलब, दिया नहीं, एक सेकेंड,
इनिशियली वो पार्टिकल कहाँ पर है, देख यहाँ पर है, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो, जब टी बराबर जीरो का इसका ये मतलब नहीं कि टाइम रुक गया है करके, ऐसा नहीं है। ये कैसा, अगर तू एक, हाँ स्टार्ट, जब तूने हाथ में अपने स्टॉप क्लॉक ली तब उस टाइम पे उस चीज़ को तू टी इक्वल्स टू जीरो बोलेगा, समझेगा। अब फिर घड़ी का कांटा जब चल रहा है तब तूने क्या देखा, ये तेरा ओरिजिन है, ये तेरा घड़ी का कांटा, तूने स्टार्ट किया तो वो कहाँ पर लोकेटेड है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, 2 मीटर पर, ऐसा समझ गया। टी इक्वल्स टू जीरो पर एक्स इक्वल्स टू टू होने का मतलब क्या है, क्लियर है, समझ गया। तो यहाँ देखो आ भी रहा है अपना एक्स टी, कितना आ रहा है देखो, टी स्क्वायर प्लस 3 टी प्लस 2, टी इक्वल्स टू जीरो पर देखो पोजिशन कितनी आ रही है उसकी, आ रहा है एक्स इक्वल्स टू टू, अपन ने जो किया है वो सही काम किया है, क्या बनाऊँ, ठीक है इस चीज़ को लिख लो फटाक से। तुम डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में कन्फ्यूज हो रहे हो क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, समझ आ रहा क्या, ये स्पेसिफिक पोजीशन है, ये स्पेसिफिक पोजीशन है, ठीक है क्या, ये स्पेसिफिक पोजीशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो एक्स माइनस टू एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है क्या। तो हाँ पोजीशन के लिए निकालना था, ये पोजीशन है, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना ये पोजीशन है। अरे यहाँ पर हम लोगों ने जो पोजीशन है ओरिजिन को, कैसा मैं मान रहा हूँ कि ओरिजिन से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ देखो एक किसी एक टाइम पर उसकी पोजीशन में मान रहा हूँ एक्स है, ये ओरिजिन मान लेते हैं, किसी एक टाइम पर उसकी पोजीशन में मान रहा हूँ एक्स है, तो जो इसका रेट ऑफ चेंज है वही तो रहेगी ना स्पीड उसकी, डीएक्स बाई डी टी, तो वही मैंने लिखा है। ओरिजिन को मैंने क्या लिया है, ये भाई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया मैंने, ये जो एक्स है इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में माना है मैंने, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये उसकी पोजिशन मानी है मैंने, क्लियर है के बाद, ठीक है समझ पा रहे हो, ठीक है क्या। ओरिजिन को मैंने जीरो माना है ना, इसमें फर्क कब आ जाता देखो यहाँ पर, जैसे एक्चुअल में अगर तुम ऐसा लिख देते ना डीएस बाई डी टी बराबर वी, ऐसा लिख देते तो ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट रहती, तो आता क्या इंटीग्रेट होने के बाद एस ऑफ टी टू माइनस एस ऑफ टी वन, ऐसा आता, समझे क्या, ऐसा आता। तो डिस्प्लेसमेंट भाई टी टू टाइम में कितनी हुई माइनस डिस्प्लेसमेंट टी वन टाइम में कितनी हुई, ये चीज़ आ जाती है ऐसी, समझे क्या। तो उसमें उस चीज़ को कैसे लिखते हैं, कैसे फिर भाई टी टाइम में तुम्हें ये निकालना है कि उसकी पोजीशन कितनी है टी टू, इसको ऐसा मत देखो वरना कन्फ्यूज हो जाओगे फालतू, समझे क्या, इसमें फालतू एक्स के कोऑर्डिनेट जीरो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 है, ठीक है क्या, नहीं एक्स मैंने ओरिजिन से ये दूरी ली है एक्स, ऐसा ये जो है ना मेरे पास, ये जो चीज़ है मेरे पास ये ओरिजिन है, यहाँ से मैंने उस पार्टिकल पी जो कि मूव कर रहा है वो वाली दूरी मैंने एक्स ली है, समझ गया। तो डी एक्स बाई डी टी मैं वी बोल रहा हूँ, ठीक है बात, क्लियर है चीज़, ठीक है क्या। तो यही वाली पोजिशन एक्चुअली मुझे निकालनी है, यही तो निकालना है ना पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यही देखो मैंने पोजिशन लिया है, ठीक है बात, क्लियर है ये चीज़। वो जो डिस्प्लेसमेंट वाली जो डेफिनेशन है ये वाली है, ऐसा कुछ ये वाली जो तुम देखते हो ना चीज़, ये डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू वी, ये भाई डिस्प्लेसमेंट है। अब तो इसमें चेंज इन पोजीशन देखना पड़ेगा, तो चेंज इन पोजीशन देखना पड़ेगा, उसमें जो इनिशियल पोजीशन है वो तुम जीरो ले लो ना, तो वो चीज़ कितनी आ जाएगी, ये जो एस है इसको तुम क्या लिख सकते हो डी बाई डी टी, इसको क्या लिख सकते हो तुम, ओरिजिन तो मूव कर नहीं रहा है तो इसको डी एक्स बाई डी टी भी लिखा जा सकता है, ये बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा कितना, जैसे मान लेते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट ये वाली चीज़ हुई, ये वाली चीज़, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लेते हैं तुम्हारा, जैसे मान लेते हैं ये एक्स इक्वल्स टू टू है ये एक्स इक्वल्स टू फोर है, ऐसा तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा मान लेते हैं, समझे क्या। तो पोजिशन एट फोर, समझे क्या, पोजिशन एट दिस टाइम टी टू टाइम और पोजिशन एट दिस टाइम क्या बोलते हैं टी वन टाइम तक वो चीज़ कितनी कितनी आ रही है, 4 माइनस 2, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है तुम्हारे पास 2, ऐसा। तो उसमें अगर तुम ये वाला काम करोगे ना कि भाई यहाँ ओरिजिन से अगर तुम एक्स अगर ले रहे हो ऐसा, तो इतने टाइम में टी टू माइनस टी वन टाइम में वो कितना चलेगा, वो चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास, यही आ जाएगी 2 आ जाएगी। डी एक्स बाई डी टी भी अगर तुम लेकर अगर करोगे तो उसमें कितना आएगा आंसर तुम्हारा, कितना आएगा 2 आ जाएगा वो, समझे क्या, ठीक है क्या। खैर तुम ऐसा काम करना कि भाई ओरिजिन को 0 मान लेना ऐसा, और उसके बाद ओरिजिन से ऐसा मानना कि ये एक्स, उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक्स है, और उसके बाद फिर तुम लिखना डी एक्स बाई डी टी बराबर वी, ऐसा ऐसा, समझे। अगर कोई तुमसे डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोले तो क्या करना, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, एक्स टी निकालो, और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, तो तुमसे एक्चुअल में वो ये चीज़ पूछ रहा है एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन, यही है ना पोजिशन एट टाइम टी टू माइनस पोजिशन एट टाइम टी वन, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, ऐसा काम करना, समझ गए। इस चीज़ को नोट डाल के लिख लो पहले, ठीक है नोट डाल के लिख लो, इस चीज़ को नोट करके ऐसा लिख लो, ये लिख लो, उसके बाद फिर नोट डाल के लिख लेना, ठीक है ये क्विकली करो इसको, ठीक है।
कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है कि हाँ मतलब यार उससे क्लास का माहौल खराब होता है एक्चुअली। जब तुम कुछ ऐसा बोल देते हो ना, अरे हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, तो ये वाली चीज़ों से कैसा, बाकी जो इंसान मजबूती के साथ पढ़ रहा है उसके मन में कैसा डाउट आने लगते हैं, तुमको अपने डाउट कैसा है इस किस्म वाले फालतू वाले अपने दिमाग तक रखने हैं, ठीक है क्या? उसमें अगर कोई मुझसे पूछ बैठेगा सर ये जो सांप जैसा बनाए क्या, तो उसमें एक इंसान, दूसरा एक इंसान ये सोचेगा ना भाई कैसे गधों के बीच में बैठ रहा हूँ मैं करके, तो उससे कैसा अविश्वास फैलता है, उससे क्लास का माहौल खराब होता है। डाउट तुम्हें तभी पूछना है जब तुम्हारे दिलो दिमाग में वो चीज़ घुसी नहीं रही है कि अरे ये क्या हो क्या रहा है करके, ऐसा तो भी इंटेलिजेंट चीज़ पूछनी है। अच्छा सर वो डब्बा बना दिया हो क्या, ऐसा तो इससे बाकी कैसा ऐसा लगता है, मेरे को भी लगता है कि मैं किन गधों कंजरों को पढ़ा रहा हूँ करके एकदम, समझे? और दूसरा बाकी जो एक इंसान अच्छा इंसान भी जो पढ़ रहा होगा उसके मन में भी कैसा आता है यार कौन कौन बैठ गए हैं यार, ठीक है? तो वो क्लास का माहौल गंदा नहीं करना है। जो तुम डाउट पूछो अच्छा पूछो, कुछ कोई काम की चीज़ पूछो। अब तुम पूछोगे डीटी क्या है, ये सब भाई तू आज पहली क्लास में तो बैठे नहीं हो, ठीक है क्या? एक्स क्या है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो नई लैंग्वेज तुम सीख रहे हो उसके लिए डीसी पांडे पढ़ो, कुछ भी कोई भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी देखो कुछ भी करो, समझ में आ रहा क्या? जो नई लैंग्वेज है जो तुम्हारे सामने आ रही है, एक इंसान तो है ही क्लास में जो उस नई लैंग्वेज के साथ तुम्हें इज टू कराने के लिए पूरा दमखम लगा रहा है, पर फिर भी अगर तुम्हारी दिमागी क्षमता कम है तो उसमें तुम भी कुछ करो। घर जाने के बाद बुक तो तुम्हारे पास है, डीसी पांडे खोलो, उसको काम करना शुरू करो, डिफरेंशियल का मीनिंग क्या होता है वो चीज़ें देखो, तुम्हें समझ में आएगा डीटी क्या है, ठीक है क्या? अब तो नीचे कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो चीज़ आ चुकी है तुम्हारे पास, ठीक है? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है? अब देखो होगा क्या, एक सेकंड, अगर मान लेते तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये लिख लिया सभी ने? यार लिखने की स्पीड बढ़ाओ यार तुम थोड़ी, ठीक है? कोई ऐसा मूर्ख तो नहीं है जो लिख ही नहीं रहा है ये सब, छोड़ो करके कौन लिखे, समझ तो रहा नहीं है, तो ऐसा इंसान पहले ही हार मान चुका है भाई। हारा हुआ इंसान वो कैसा किसानी वगैरह देखे फिर, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? कॉपी में पता चला नोट्स ही नहीं है, तो तुम तो रेस शुरू होने के पहले ही तुम तो रेस से बाहर हो गया, मैं नहीं दौड़ता यार। कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना जब पता रहता है कि वो जीत नहीं पाएंगे तो दौड़ना ही छोड़ देते हैं, समझे क्या? क्या छोड़ो यार, रेस में कोने में करके पालती मार के बैठ जाते हैं मुंह फुला के, समझे क्या? तो ऐसे लोगों को और दौड़ते दौड़ता एक इंसान कैसा लात वात भी मारता जाता है और कीचड़ भी उछाल देता है उनके मुंह पर, समझे क्या? बैठा हुआ मिला था ले जा मर, समझे क्या? तो कुछ भी अगर चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो बातचीत करो, कोई ऐसी चीज़ किसी को अगर पूछनी है तो बोले। गर्मी में अगर मुंह फुला के अगर बैठोगे तो तुमसे बड़ा वाला कोई नहीं है, मैं बता दूं तुमको, ठीक है क्या? नहीं सर, हो तो गया है लेकिन नहीं भी हुआ है। खैर तो उस इंसान का क्या बोले यार, ठीक है? खैर अब देखो उसके आगे एक नोट डालकर लिखो, उसमें तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन वगैरह क्लियर हो जाते हैं, ठीक है क्या? उसको ऐसा लिख लो, वाइल राइटिंग डीवी डीएक्स बाई डी टी, वाइल राइटिंग डीएक्स बाई डी टी इक्वल्स टू वी, एक्स इज पोजिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है क्या? ये लिख कर रखो। तो एक सेकंड एक सेकंड, तो इसमें जैसे तुम इंटीग्रेट करोगे dx बराबर v dt होगा, ये t1 से t2 जब जाएगा, ये x1 से x2 जाएगा, क्या बना समझ गए? तो इसको कैसे लिखा, क्या अजम्पशन लिया? नहीं, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा फिर, v dt का इंटीग्रल t1 से t2। अब उसमें ऐसा लिख लेना ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है क्या? x2 इज पोजिशन एट टाइम t2, x1 इज पोजिशन एट टाइम t1, ठीक है क्या? बात x2 मतलब ये हो गया, ठीक है बात? टाइम वन मतलब टी इक्वल्स टू वन पर, ऐसा टी इक्वल्स टू वन बोलता हूँ, टी इक्वल्स टू टी वन पर है यार, टाइम अपन क्या ले रहे हैं, वन और टू थोड़ी ले रहे हैं, टी वन और टी टू ले रहे हैं ना, सॉरी
ऐसा समझ गए। इससे कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज जो अंदर जा रही है, डीएक्स बाई डी टी के जो चीज अंदर जा रही है, दैट इज पोजिशन नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या? क्लियर है बातें, समझ गए अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां देखो, अगला एक सवाल लिखो, ये लिख लिया क्या? हाँ, कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हो गया, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हो गया। ये देखना, ये ओरिजिन है तेरा, मान लेते पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल की पोजीशन क्या है? ये मान लेते इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर लोकेटेड है, बाद में वो पार्टिकल घूमता घामता यहाँ तक आ गया, तो एक्स वन ये है, एक्स टू ये है, ऐसा लिख लेना भाई। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई? एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या बोल रहा हूँ समझ गया? ये है, उसके नीचे ए भी बना लो, समझ गया? अगर किसी को अब नहीं समझ रहा होगा तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, ठीक है क्या? ये ओरिजिनल लिख लेना सालो, पता चला वही नहीं समझ में आ रहा हो, वो क्या है, समझ गया? सर ये हम है, शून्य, बहुत बड़ा शून्य, समझ गया? तुमको डीसी पांडे इसीलिए दी गई है, ताकि दी गई है मतलब तुम्हें खरीदी है भाई, इसीलिए तुम रिफर कर रहे हो, बिकॉज तुम्हारे पास नहीं, तो एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर किताबें ऐसी मिलती है, समझे क्या? हाँ तो नहीं तो, नहीं तो वो सब पोकट की नहीं मिलती है कुछ भी, ठीक है क्या? खैर तो भाई बुक इसलिए है तुम्हारे पास ताकि कुछ अगर मेन मुद्दों पर अगर तुम्हारे कभी अगर डाउट ऐसा आ गया ना कि ये सपोले अपन क्यों बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक दूसरे इंसान का भी तुम वर्जन सुना करो। जैसे वो जो डीसी पांडे जो कह रहा है कि भाई क्या कह रहा है, बहुत ही शॉर्ट में कंसाइज वो बातें करता है, ठीक है क्या? तो वो जो कह रहा है वो वाली चीज़ें भी तुम पढ़ा करो। बुक रीडिंग इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन, समझे क्या? जिसके पास ये असेंशियल कंपोनेंट नहीं है वो कैसा सिर्फ एक ही इंसान की बातचीत सुन रहा है, समझे क्या? तो उसका कैसा जो तैयारी रहती है वन डायमेंशनल रहती है। कभी अगर तुम दो लोगों से अगर बातचीत करोगे ना, देखना जैसे अगर तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए अच्छा डिस्कशन करने वाला पार्टनर मौजूद है तो उसमें देखना बहुत मजे आ जाते हैं एकदम, समझे क्या? वो कुछ बोलते हैं अपन कुछ बोलते हैं, बहुत मजा आती है, समझ रहे हो? तो उसमें वो पार्टनर तुम कैसा बेस्ट जो तुम्हारा पार्टनर हो सकता है वो डीसी पांडे होगा, समझे क्या? और मैं तो हुई, समझे क्या? मैं तो हुई, ठीक है। तो खैर उसके आगे बढ़ते हैं क्विकली, ठीक है। अब जरा करो यहाँ इसको करो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को ये चीज़ दे रखी है, एक ग्राफ दे रखा है ऐसा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक तुम्हारे पास ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये ऐसा फोटो कुछ ऐसी है, ठीक है। ये हो गया 3.0 दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, लेट्स से 0.5 दे रखा है, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, 0.5 दे रखा है, क्लियर के बाद? अच्छा अब इसमें तुमसे पूछा, इसमें बताया गया है इनिशियली द पार्टिकल वॉज लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 5 मीटर, ऐसा ये उसकी पोजिशन है भाई, पोजिशन है कि डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये पोजिशन है, क्या बोल रहा हूँ समझ गए? तो फाइंड इट्स पोजिशन एट x इक्वल्स टू 6 मीटर, ए पोजिशन है t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स, समझ गए? तो ये भी कुछ है नहीं, vt का ग्राफ अगर तुमको दिया हुआ है, इसका मतलब vt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, वो लाइन की इक्वेशन लिखो पट से, कहाँ पे टी होगा बे, कहाँ टी होगा साले? ना ना साले, v तेरे को दिया हुआ ना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसका ग्राफ दिया हुआ है, तो v को जब तुम इक्वेशन लिख लोगे v की, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करोगे तब ना x आएगा, और वही काम करना है फिर जो पिछले सवाल में किया था। अरे हाँ फिर, अरे t होगा, सॉरी, अच्छा मैं भावनाओं में बह गया, टी बराबर 6 पर तुम्हें पोजीशन निकालनी है, वो तो अंडरस्टूड है यार, थोड़ा बहुत समझ जाया करो, ठीक है। ऐसा उकड़ू मुकड़ू बैठा हूँ मैं, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है, समझिए हैं साले लोग, ठीक है अब रुको सालो, अभी देखो तुम 3 बजे तक सेशन ना खींचा तो फिर बोलो, समझे क्या? जब तक है तुम गिड़गिड़ा के, समझे क्या, नाक नहीं रगड़वाऊंगा ना तुमसे, धूल नहीं चटाऊंगा, अब देखो तुम, तब तक नहीं रुकूंगा, या तो देखो मैं टूटता है तो तुम टूटते, चलो हो जाए फिर।
हो जाता है। तुम जियोगे साथ मरोगे साथ, समझे क्या? नहीं भाई नहीं, कहीं अकेले पाके इन लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी उर्वशी भी नहीं है बचाने को, समझे क्या? उसमें ब्रह्मा होना, निखिल होना है। अच्छा कर दिया क्या? नहीं तुमने किया सालों की, तुम हो गए खुद। नहीं खैर, तो इन लोगों को कैसा नव सैनिकों की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे वो ब्रेन वॉश नहीं करते क्या, वो मदरसे वगैरह में बहुत ब्रेन वॉश करते हैं, समझे क्या? तुम जब मरोगे तब इतनी अप्सराएं तुमको मिलेगी, ये हो ऐसा, खूब ब्रेन वॉशिंग खूब चलती। तो ये लोग कैसा ब्रेन वॉश करते रहते हैं, आजा मेरे दल में आजा। अच्छा मेरे दल में आ जा, तेरे को बहुत अच्छी क्या मिलेगा? वो खाने का डिश क्या रहता है महाराष्ट्रियन लोगों का बेस्ट? ओ एक एक मीठी मीठी चीज़ रहती है, क्या बोलते हो? हाँ हाँ वही कितने बेशरम हो यार तुम। मैं कैसे मान लूँ यार? देखो ऐसी चीजें ना, अगर तुम्हारे पास डब्बा है नहीं तो ऐसी चीजें बताया मत करो, तकलीफ बढ़ जाती, समझे? ऐसी चीजें बताने का क्यों? अब साले है नहीं डब्बा, जबरन का बता रहे, समझे? वो साहिल का घर यहाँ थोड़ी है, वो कहाँ से डब्बा लाके देगा? दूर बियाबान है। अरे यार मैं देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, तुम जब मुझे दो तो मुझे किसी और को पता ना चले, समझे? मतलब तुम मुझे ऐसे दो कि तुम्हारे अगर दाएं हाथ से दे रहे हो तो बाएं हाथ को पता ना चले, समझे? ऐसे नहीं, नहीं उसमें मतलब ऐसा है ना कि मैं कैसा ऐसा मुंह फाड़ के ऐसा खाता हुआ दिखूंगा तुम्हें, अच्छा नहीं लगेगा, समझे? मैं अपनी मतलब ऐसा इमेज बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को वो भी होना, तुम समझ गए ना? ठीक है क्या? हाँ तो किसी तरह से इंतजाम करो, समझे? हाँ भैया पानी उबालना नहीं आता होगा। चलो खैर यहाँ देखो, अबे जो ग्राफ दिया सालो उसकी इक्वेशन अगर नहीं लिख पाया तो थू है तुम पे, समझेगा? लिखो पट से, एक एक को पर्सनली जा जाके मैं थू करूंगा, बता रहा हूँ, समझे? जल्दी लिखो, जो ग्राफ दिया है उससे इक्वेशन बनाओ जरा, कैसे बनाओगे करके? वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहले तो तुम्हें बड़े मजे से दे दिया जाता था 2t + 3, 2t - 3, अभी देखो तुम्हें ग्राफ दिया गया है उससे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कितने लोगों को लिखना आता भी नहीं है, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं कितने को नहीं आता है? अरे तुमको लाइन चैप्टर नहीं था क्या? अच्छा अगर इक्वेशन दी हुई रहे तो ग्राफ खींचना आता है, पर उल्टा नहीं आता है। वो तो साले तुम माँ के पेट से ही सीख के आए थे सालो, उसमें करना ही क्या है, दो पॉइंट उड़ाने हैं छोड़ देना है, तो वो तो उसे तो कुछ है नहीं। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है देख लो जरा, ठीक है? यहाँ देखो ये चीज़ अच्छा अपने वैक्टर्स में काम आ जाएगी, ठीक है? जब तुमको वेक्टर्स के टर्म्स में बताता हूँ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ देखो थोड़ा क्विक करना, लेकिन ये क्योंकि ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं अपन, ठीक है? तो ऐसा लिख लेते हैं, हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन उस टाइम पे काम आ जाएगा तुमको, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? सिलेबस में नहीं है लेकिन खैर जल्दी देखो यार, तुम बात मत करो। यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ लाइन है, जैसे मान लो ये चीज़ है तुम्हारे पास x1 x2 है, x1 y1 है, सॉरी, ठीक है? क्विकली देखो थोड़ा फटाफट, x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है? ऐसा दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये लाइन की इक्वेशन लिखनी है ऐसा। तो उसको लिखते कैसे जरा ध्यान दो, स्लोप पहले निकाल लो उस लाइन का, स्लोप कितना होगा? m बराबर y2 - y1 / x2 - x1, ऐसा, समझ गए क्या? तो इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट अगर तुमको चाहिए तो वो कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ देखो ये दिख रहा है क्या? ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, क्या बोलते हो? लाइन की स्लोप तो कॉन्स्टेंट रहती है ना, समझ गए? तो इसमें देखो क्या लिख सकते हो तुम, ये वाली जो लेंथ है कितनी हो जाएगी बोलो, x - x1 / y1 - y1, क्या बोलते हैं? दिख रहा है क्या? y - y1, ये वाला स्लोप दिख गया क्या? ये पॉइंट P स्लोप ऑफ AP, क्या बोलते हो? दिख रहा है क्या स्लोप ऑफ AP इतना होगा? समझ गए? अच्छा स्लोप ऑफ PB, अच्छा स्लोप ऑफ AB ले लो, AB ऑलरेडी निकाला हुआ है इसीलिए कर लेता हूँ। यहाँ देखो स्लोप ऑफ AB ये हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB, क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है क्या? तो दोनों का स्लोप तो है तो बराबर एम ए बी, कहाँ मैं देखना चाह रहा था कि तुम पकड़ पाते हो कि नहीं, समझे? गुड,
आज तू ही गुलाब जामुन लाएगी। तो यहाँ देखो, आज तेरे को मेरे को खिलाने का मौका मिलेगा, समझे? तो यहाँ देखो, मैं ऐसे मौका देता नहीं हूँ, समझे? मैं वो इंसान हूँ जो खुद ही को खुद डिनर में इनवाइट कर लेता है, समझे? तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उर्वशी के घर पहली बार मैं ऐसे ही पहुँचा था, समझे? उसके पापा वगैरह थे सब, मैं मतलब ऐसा हुआ कि वो बता रहे थे, उन लोग घर में बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था यार, किसने बुलाया आखिर उसे, समझे? तो उसे पापा क्या बोल रहे हैं, नहीं यार उसने खुद ही को खुद इनवाइट कर लिया था, समझे? और वो पहुंच गया, समझे? ठीक है यार, खैर, तो खाने का तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊँ, समझे? खैर देखो यार, आगे देखो, ये दोनों स्लोप बराबर है, क्या बोल, क्लियर है क्या? तो इक्वेट करो जरा और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, वाई और एक्स को जोड़ते हुए इक्वेशन निकालो, कैसे करोगे? देखो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन बराबर y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये चीज़ आ रही, समझ गया? अच्छा अब देखो ये कितना बैठ रहा है, y बराबर, ठीक है क्या, कितना हो जाएगा भाई, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है क्या? तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, y माइनस वाई वन, ठीक है क्या, ऐसे लिखा करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये एक दसवीं के एक लड़के को आता है ICSE में, ये बात ध्यान में रखना। और तुम्हारा जो पहले स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस था ना, उसमें ये चीज़ें थी, साल हटा दिए फिर बाद में, समझे गए? तो वही बता रहा हूँ, जैसे आगे आने वाली और जैसी जैसी जनरेशन आ रही है, और बड़े बड़े चिरंडू पैदा हो रहे हैं, समझे गए? भयानक वाले। तो यहाँ देखो वाई माइनस वाई वन बराबर ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो कॉन्स्टेंट है, दोनों पॉइंट्स अगर मिल गए, देखो इसको कैसे बोलोगे, यहाँ कैसे लिखो, कैसे अगर मान लेते हैं दो पॉइंट्स तुमको दिए हुए हैं, लेट से एक पॉइंट दिया है टू कॉमा माइनस वन, एक दूसरा पॉइंट दिया है मान लेते हैं थ्री कॉमा फोर, ऐसा दिया हुआ है, समझे गए? कैसे लिखेंगे भाई, किसी को भी x1 y1 डेजिग्नेट करो, किसी को भी x2 y2 डेजिग्नेट करो, किसी को भी करो, इक्वेशन वही आएगी, इससे घबराना मत, समझे गया? कि भाई सर मैंने तो उसको ऊपर वाले को x1 y1 लिया है, नीचे वाले को, ऐसा घबराना मत, ठीक है क्या? तो सर किसी को भी वन ले लो, किसी को भी टू ले लो, तो इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1 ऐसा, इसको मैं ले लेता हूँ x2 y2 ऐसा, और इक्वेशन ऑफ लाइन AB देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्विकली देखना, y माइनस y1 बराबर m, ठीक है क्या, एम ठीक है क्या, ठीक है के बाद कैसे लिखा, ये चीज क्लियर है? इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हारे पास यार है वाई माइनस फोर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो, पांच अपॉन एक एक्स माइनस टू, इतनी प्यारी इक्वेशन क्यों आ रही है, क्योंकि सवाल मैंने ही बनाया, समझे गए? फाइव एक्स माइनस टेन माइनस छ ऐसा, ये देखो हाँ क्या हो गया बे, कहाँ डन आएगा फाइव, ये यार ये छोकरी लोग समझे क्या, साले लोग कुछ समझते वमझते हैं नहीं, पहले ही समझे गया? निशाना साथ के पहले ही रहता तो पहले ही चला देते हैं, समझते भी नहीं सामने वाला दुश्मन नहीं है अगर, समझे गया? पहले ही तो चला देते भक्क से, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ओ माई गॉड, समझे गया? ठीक है, क्लियर है के बाद, समझ गए हो, क्लियर है क्या? तुम ये सोचो मैंने स्लोप को इंटीजर बनाने के लिए, ताकि तुमको डर कम लगे, तो जो कितनी क्विक कैलकुलेशन की कि मेरा डिनोमिनेटर कैसा मैंने वन सेट किया, समझे गया? तुमने देखा ये काम मैंने कितनी तेजी से किया होगा, अबे साल नहीं कर लोगे, लेकिन देखो मेरी लिखने की स्पीड कहीं पर रुकी नहीं है, तुम ये सोच रहे हो क्या मैं बैक ऑफ द माइंड कैसा लिखता भी जा रहा था, ठीक है क्या, क्लियर है चीज? इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लोगे क्या है, पहले इसको छापो पहले स्पीड में इक्वेशन ऑफ लाइन करके, अरे ठीक है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पहले लिखो, ठीक है क्या, अरे हाँ वो लिख लिया ना, तो उसको ऐसा क्रॉस करके उसके नीचे लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा क्रॉस करके नहीं भाई, ऐसा वाला क्रॉस गधेड़ो, ये देखो मैंने भी किया क्रॉस, ये देखो ऐसा वाला क्रॉस, जो तुमको करना है करो सालो, जल्दी लिखो बस, ये साले लोग एकदम मतलब हद है भाई, ओह माय गॉड। अब पहले ये चीजें मैं बस बोल देता था हवा में, इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप, तो एक्स वाई निकाल लेना, बाकी सामने तो कोई बोलता भी नहीं था, हाँ हाँ निकाल लेंगे, समझे क्या? आजकल लिख कर देने लगा हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था, नहीं उसमें हाँ वही तो ना, तो अब जो भी बोलो, अब इतना लिखने पे जान पे नहीं बनाएगी, तुम सोचो कॉपी में तुम लिखते होगे तो जोर तो आता ही होगा, क्योंकि जो भी बातें रहती मैं सब लिख डालता हूँ, समझे क्या? जो भी लिखता हूँ मैं सब लिख डालता हूँ,
ओह माय गॉड, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये नहीं बता रहा मैं, जा यश पूछ रहा था तो बता रहा था मैं, समझ गए जी। चलो खैर, अरे ये बागड़ बिल्ली लोग। खैर किसी को भी एक्स वन वाई वन तुम डेजिग्नेट कर सकते हो और किसी को भी एक्स टू वाई टू डेजिग्नेट कर सकते हो, ठीक है क्या? क्या हो गया भाई? हाँ वही तो ना। अच्छा नहीं तो तुम ये बताओ, 50% ऑफ समथिंग इज़ फार फार बेटर देन 100% ऑफ नथिंग, समझ गया क्या? ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या? अरे हो गया भाई, हो गया। और कितना बोले? इक्वल टू और वो इक्वलेंट के लिए सिंबल मैं यूज करता हूँ, देसी सिंबल है मेरा अपना, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, समझा गया? जैसे सिमिलरली के लिए मैं ऐसा यूज करता हूँ, ये देख, ये सिमिलरली ऐसा अपना मैंने ही बनाया ये, समझे? ठीक है क्या? तुम भी सीख जाओगे, ठीक है क्या? देख लो भाई, थोड़ी करेक्शन कर लो, अंधाधुन मत लिखो, ये तो अच्छा है। जानवी धीरे धीरे लिखती है प्यार से, इसलिए बचा लिया उसने। और दूसरा, तुम ये अपने दिमाग से निकाल दो, तुम शादी पढ़ाई कर रहे हो, समझे क्या? जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उसका नाम कभी मत दो, हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, समझे क्या? उसको शादी पढ़ाई, एडवांस पढ़ाई, JEE की मेंस की पढ़ाई, CET की पढ़ाई, ये सब अपना नाम नहीं देना। वो कैसा है कि कोई भी इंसान किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं सकता, समझे क्या? वो तैयारी करता है, उसके बेसिस पर एग्जाम लिखता है, देखते हैं कि उसका कहाँ क्या कितना कैसा होता है करके, समझे क्या? हम लोग उतना ही कंटेंट करेंगे जितना अपन पचा सकें, समझे क्या? वाई इक्वल्स टू 5x-6 ये आ जाएगा। तो इक्वेशन तो वही आ रही है बे, पहले भी वही आ रही थी क्या? -11 हो रहा है। हाँ, 6 से मेरे को इतना प्यार हो रहा था कि मैंने छोड़ा ही नहीं साले को, ठीक है क्या? अबे लिख लिया क्या? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बोल रहा है बे? AB इक्वल टू AP, स्लोप स्लोप पकले, स्लोप देख, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, AP की जो स्लोप होगी परपेंडिकुलर बाय बेस 10 थीटा, वही होगा ना, उधर भी 10 थीटा, वही तो है थीटा, तो दोनों 10 थीटा 10 थीटा, समझ गया क्या? ये भी 10 थीटा है, इसके देख लेना भाई, ये भी 10 थीटा है और ये भी 10 थीटा है, तो मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस दोनों इक्वेट कर दिया है। अबे हाँ रहेगी ना, लेकिन रेशियो वही रहेगा, क्या बोल रहा हूँ समझा? जैसे ये देख, यहाँ अगर ऐसा ना, एक लाइन तेरे पास ऐसी बनी हुई है, मान लेते हैं ये वाली दूरी है 5 और ये मान लेते हैं 10, तो अगर तूने लेट से ये वाली ले ली 15, ये मान लेते हैं हो गया 15 ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, क्या बोल रहा हूँ समझ गया? ऐसा रेशियो वही सही बैठेगा, क्योंकि थीटा वही, तभी तो आएगा 10 थीटा बराबर 5/10 बराबर 15/30, क्या बोल रहा हूँ समझिए क्या? अभी क्लियर है क्या? यही साइली का भी यही दुख था सेम, समझ गया? समझ में नहीं आया, ठीक है क्या? ठीक है, उसने कहा ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कॉम्प्रोमाइज, अच्छा। इन लोग खुद को कैसा समझाने में भी एकदम नंबर वन है कि भाई अच्छा तो करके समझ गया करके, समझे? हाँ समझ गया, जैसे अगर भूखे पेट बैठे रहेंगे ना तो इन लोग समझ लेते कि मैंने बिरयानी खा ली, समझे? और पेट भी इनका भर जाता, ऐसा ऐसा नहीं रहते क्या? तो खुद तो तुम बना सकते नहीं हो, ठीक है क्या? तो अरे बाप रे, और नींद से, नींद और खाना यही तो है कि नहीं? या तो मुन्मई का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, या तो फिर खाना ठीक है नहीं, ठीक है क्या? तूने पतंग देखी क्या? पतंग, ठीक है क्या? चलो खैर तो यहाँ देखो, ये कर लो, थोड़े से सवाल कर लो पटपट, ये लो। हाँ बना लेते ना, उसी के लिए तो बता रहा हूँ, तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये लो कर लो।
अच्छा वही उसी की इक्वेशन बना लो तुम, अब और क्या, पट्टे से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो ये वाली इक्वेशन बना लो इसलिए बोल रहा था 0.5 इक्वेशन लिखो पहले उसकी पट्टे से। तो कैसे लिख लेंगे देखो, करो पहले अपना करो, मैं भी अपना कर रहा हूं। सुबह नाश्ता वाश्ता करके आया करो भाई, ठीक है 3.0। मैं बता रहा हूँ केले खरीदो, केले और वो खरीदो कॉर्नफ्लेक्स और ये दूध, नहीं वो पतंजलि वाला मंगवाया करो, वो जो मुसली करके आता है ना एक, समझे क्या, वो अच्छा रहता है। अरे बाप रे, तो खा के निकलना ही तो है और क्या अच्छा अरे बाप रे, उर्वशी के साथ भी एक पतंजलि वाले स्टोर वाले का लफड़ा हो गया था, समझे क्या, लफड़ा ऐसा हुआ कि उसने वो हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करके लेती है, कौन एक्सपायरी डेट चेक करके लेता है पर उर्वशी लेती है, समझे क्या अरे जो बवाल किया उसने एकदम मस्त, मज़े ही आ गए थे। पहले तो मैं वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैंने फॉलो किया, पहले उससे दूर हो गया, समझे क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, समझे। खैर अरे ठीक है, लाइन इक्वेशन की अच्छी आ जाएगी, लेकिन तो लिख लिया है इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, तो वाई माइनस वाई वन ठीक है क्या इक्वल्स टू एम, ठीक है ना, तो मैं भी कर रहा हूँ ना भाई, नहीं वाई माइनस वाई वन होता है, हाँ ऊपर वाई टू माइनस वाई वन होता है। अच्छा, ठीक है कर लेते हैं इसको, ठीक है ठीक है बात। यह आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोलते हो, यही आ रही। अब देखो वाई एक्सिस पर क्या है तुम्हारे पास, वी, कितना हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पर क्या है तुम्हारे पास, टी, तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन, समझ गए, क्लियर है चीज। तो वी कितना आ रहा है बोलो, अब निकालो जरा पोजीशन निकालो एट टी इक्वल्स टू, जो भी पूछा है तुमसे सवाल में पट्टे से निकालो, क्या निकालो जरा पोजीशन एट टी इक्वल्स टू, कितना दिया है 6 सेकंड दिया है ना, निकालो उसको फटाक से। इसको क्या लिखोगे, डीएक्स बाई डीटी लिखो, वी को क्या लिखेंगे, डीएक्स बाई डीटी लिखो फटाक से, हो गया है, कर लो 2 मिनट में और दे रहा हूं फिर मैं करता हूं। टी इक्वल्स टू 0 पर एक्स इक्वल्स टू कितना दिया, इनिशियल टाइम पर पोजीशन कितनी दी हुई है, कहाँ गया वो, पोजीशन दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है क्या, देखना इनिशियली द पार्टिकल वॉज लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स टू 5, इसका मतलब टी इक्वल्स टू 0 पर एक्स इक्वल्स टू 5 है, टी इक्वल्स टू 6 पर तुमको पोजीशन निकालनी है, ठीक है क्या, टी इक्वल्स टू 6 पर पोजीशन एक्स है, जो एक्स अपने को कैलकुलेट करना है, समझे क्या, तो टी वाला इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से 6 तक, और इधर एक्स वाला इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करोगे, 5 से एक्स तक, एक्स निकालो पटाक से, देखो कितना आ रहा है, अभी इस लैंग्वेज में फ्लो में आ रहे हो,
हाँ देख कैसे करेगा इसको, ये चीज़ जो लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा है वो क्या लिखा है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 5 - 5/3 t, ऐसा लिखा है। अच्छा उसके बाद एक तरफ x वाले वेरिएबल रखो, एक तरफ t वाले वेरिएबल्स रखो, ऐसा समझे क्या। अब इंटीग्रेशन वाला जो साइन है वो स्प्लिट करो, ठीक है। t बराबर 0 पर x इक्वल टू 5 दे रखा है ऑलरेडी, t बराबर 6 पर तुमको x निकालना है, समझे ऐसा। तो इंटीग्रल dx क्या बनेगा तुम्हारे पास, x लिमिट्स लगाओगे तुम 5 से x बराबर, ये कितना हो जाएगा भाई 5t, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएगी 0 से 6, -5/3 t² / 2, लिमिट्स कहाँ तक आएगी 0 से 6 ऐसा। तो ये चीज़ देखो कितनी बैठेगी, x -5 इक्वल्स टू 5 टाइम्स 6 - 0 -5/3 6² / 2 ऐसा, ठीक है। के बाद वो जीरो वाली चीज़ मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। के बाद तो ये कितना बैठेगा देखो, अच्छा क्या हो गया, टी का t² / 2 होगा ना बे, तो x - 5 बराबर कितना हो गया 30 - 5/3 टाइम्स 6² / 2 ऐसा। तो ये कितना हो जाता है 18, ये हो जाएगा 3 6 जा, तो ये चीज़ कितनी आ रही है 30 - 30, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी x की इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 ऐसा, ये आ रहा है। तो यहाँ पर तू देखना हो कैसा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तेरे पास, ठीक है क्या। देखो यहाँ पर इसका अगर तुम पोजीशन टाइम कर्व अगर बनाओ तो कैसे बनेगा देखो, नहीं यहाँ देखना भाई इसका जो एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ है ना, मैं बताता हूँ पहले तुम इस चीज को लिख लो, ठीक है क्या, इस चीज को लिख लो पहले, यहाँ तक पहुंचे v इक्वल्स टू 5 - 5/3 t, पहुंच गए हो, और नीचे ये वाली चीज लिख लो पहले स्पीड से, आगे एक सवाल लिखो। हाँ आ रहा है ना, टी इक्वल्स टू 0 पर देखना कितना आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है तेरे पास, एक्स का जो फंक्शन आया है अपने पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अपन ने पहली बात निकाला नहीं है एक्स का फंक्शन, अपन ने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला नहीं ना, अपने लिमिट्स लगा दिए, तो एक्स का अपन ने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन ने निकाला कहाँ है, समझ गए। वो चीज़ कितनी आएगी पहले इस चीज़ को लिख लो, फिर अपन उसको कर लेते हैं, ठीक है। एक्स का याद कर हम लोग पहले कैसे करते थे कि भाई एक्स का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते थे अपन, टी पर एक्स लेते थे याद है क्या, और उसके बाद फिर टी की वैल्यू 6 डालते थे, समझ गए क्या बोल रहा हूँ। पहले इसके पहले याद करो जब तुम्हें अपन इंटीग्रेट करते थे तो 0 से टी करते थे और इधर 5 से एक्स करते, ऐसा समझ गए क्या। तो अभी अपने डायरेक्टली कैसा वैल्यू पुटअप कर दिया कि भाई 0 पर 5 है और 6 पर अपने को एक्स निकालना है, तो डायरेक्टली अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई। पर अपन पहले एक सेकंड, अपन पहले इसको क्या करते थे, एक्स की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते थे ना, वो वाली चीज़ निकालो जरा करो उसको, एक्स की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो कितना आएगा बोलो, इंटीग्रेट करो 0 से 6 के बजाय 0 से टी करो, किसी एक टी पर टाइम टी पर तुम्हारे पास एक पोजीशन आएगी एक्स, समझे क्या। हाँ तो वो वाली चीज निकालो, बाकी सभी लोग निकालो, ये लिखने के बाद कैसा लिखोगे उसको, यहां देखो वी तुम्हारे पास कितना आ रहा है 5 - 5/3 t, समझ पा रहे हो वी कितना आ रहा है 5 - 5/3 t, इसको क्या लिख लिया भाई dx/dt बराबर कितना कर लिया 5 - 5/3 t, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, dx एक तरफ रखो 5 - 5/3 t और dt एक तरफ रखो ऐसा, क्लियर है बात। बनाओ सब बोले, अपने को जनरल एक्सप्रेशन चाहिए, t इक्वल टू 0 पर अपने को दे रखा है x इक्वल टू 5 है, किसी एक टाइम t पर अपने को कोई एक x चाहिए, समझेगा कि वो x होगा कितना, समझ पा रहे हो। तो यहाँ देखो वो चीज़ कैसे निकालोगे, अरे तो t1 और t2 की वैल्यू पता है ना, गंदगी क्यों मचा रही है, t1 कितना है 0 इनिशियल मोमेंट पर, हाँ नहीं, ऐसा कहाँ दिख रहा है तेरे को, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है ना, इसमें टी इक्वल टू 0 पर तेरे को एक्स कहाँ से पता चल गया, वो तो मैंने दिया है तेरे को एक्स, ये देख ये तेरा ग्राफ है, समझ गया, ये वी टी कर्व है तेरे पास, ये तेरे पास वी टी कर्व है, इससे तेरे को कहीं भी एक्स का तो तेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा हो कैसा रहा है करके, मैं बताता हूँ एक्चुअल में एक्स में इसमें हो कैसा रहा है, समझे गए। एक्स का भी अपन ग्राफ बनाते हैं, तुम देखोगे उसमें एक्स पे हो कैसा रहा है करके, एक्स का पोजीशन वाला ग्राफ भी हम लोग बनाते हैं कि वो कैसा बन रहा है करके, मैं बताता हूँ ना तुमको कैसे बनाते हैं करके।
पोजिशन ऑफ टी मतलब एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी. हाँ 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 तो वो t इक्वल टू जीरो पे गड़बड़ है दे रहा, इसका मतलब गड़बड़ है. देख वो नहीं आएगा आंसर. देख यहाँ पर, ये देख यहाँ पर, देख मैं इंटीग्रेट करता हूँ ना, देख कितना आ रहा है, देख ये चीज़ कितनी आ रही बोलो. x माइनस फाइव इक्वल्स टू फाइव टी माइनस फाइव बाई थ्री टी स्क्वायर बाई टू, ये आएगा समझेगा. तो ये चीज़ कितनी आ रही है, x इक्वल्स टू फाइव प्लस फाइव टी प्लस फाइव बाई सिक्स टी स्क्वायर, ऐसा प्लस फाइव आ रहा है समझिएगा. t इक्वल्स टू जीरो पर देखो x इक्वल्स टू फाइव आ रहा है, और t इक्वल टू सिक्स पर देखो क्या आएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, फाइव टाइम्स सिक्स प्लस फाइव बाय सिक्स टाइम्स सिक्स स्क्वायर प्लस फाइव. देखो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, फाइव टी माइनस है यार, मैंने प्लस लिख दिया है, ये माइनस है ना, मैंने प्लस लिख दिया गलती से. तो ये कितना हो जाएगा, पाँच छ माइनस पाँच छ प्लस पाँच बराबर पाँच आ रहा है. अब देखो मामला हो गया सर, आए मामला हो गया सर. आप देखो जरा इसके आगे एक सवाल लिखो, एक और मैं रिवाइज करवा दूंगा अभी कि किया क्या है करके, ठीक है. अगर कुछ कंफ्यूजन अगर है नहीं, अगर कुछ कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो मैं करवा दूंगा. क्या उठा ले, उठा ले. क्लास पूछेगी कि अगर कब खत्म हो रही है तो फिर उसमें बताना भी आधा घंटा है, ठीक है. ये चीजें लिख चुके, इसके यहां पर ऐसा लिख लेना, फाइंडिंग एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. फाइंडिंग एक्स टी, ठीक है. बात वी अगर अपने को दिया है तो उससे अपन एक्स टी ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है क्या. पहले अभी तक जो किया है उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई किया क्या अपन ने. हाँ लिख लो, लिख लो फाइंडिंग एक्स टी. कर लिया है. अब देखो अपने पास दो पॉइंट्स दिए हुए थे, समझे गए. ग्राफ में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसा ये पॉइंट दिया हुआ और ये पॉइंट दिया हुआ है. ग्राफ अगर अपने पास वीटी कर्व है तो वो दो पॉइंट्स अगर मेरे पास हैं किसी भी लाइन के तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, समझे गए. तो मेरे पास वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, कितना आया भाई, फाइव माइनस कितना आ गया, वी बराबर फाइव माइनस फाइव बाय थ्री टी, ऐसा समझ गए, ठीक है. ये बात ये आ गया मेरे पास लाइन की इक्वेशन से याद आएगा ना, क्लियर है चीज़ें. अच्छा अब इसमें x इक्वल टू फाइव पर इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू फाइव है, ये कंडीशन दे रखी है. इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में तुमको इनिशियल कंडीशन जरूर दे रखी होगी, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है. तभी तो डेफिनेट इंटीग्रल बनेगा, समझेगा, वरना सॉल्व नहीं होगा. इनिशियल कंडीशन तुमको जरूर दे रखी होगी या कोई ना कोई कंडीशन जरूर दे रखी होगी, क्योंकि मैंने सवाल दिया है ना, सवाल में दिया ये बात गिवन करके दिया ना मैंने कि t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू फाइव, इनिशियल पोजीशन मैंने दिया है ना कि x इक्वल टू फाइव पर है करके, ठीक है क्या. तो यहां पर देखो ये अपने को दिया हुआ था, अपने से ये पूछा जा रहा था t बराबर 6 पर x कितना होगा, ऐसा, ठीक है. बात क्लियर है चीज, सवाल क्लियर है सभी को, कोई ऐसा जिसको सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है क्या. t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 5 है, t इक्वल टू 6 पर x कितना होगा ये बताना है, ठीक है. बात इसको सॉल्व करने के देखो दो अप्रोचेस निकली,
एक तो तुम ऐसा कर सकते हो कि एक्स टी निकाल लो, उसके लिए क्या करोगे, डी एक्स 5 से x बराबर 0 से t, 5 - 5/3 t dt, ये एक अप्रोच हुई समझे। और एक दूसरी अप्रोच क्या है भाई, शॉर्टकट, अपने को मतलब ही नहीं है एक्स टी से, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन अपने को निकालना ही नहीं, क्या मतलब है, अपने को बस ये चाहिए ना एग्जैक्ट पोजीशन कितनी है करके उसकी, टी इक्वल टू 6 पर। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको 5 से x करो बराबर, इसको कैसा कर लो, 0 से 6 कर लो, ऐसा एक ही वेरिएबल है बस खत्म, उसमें एक ऑटोमेटिकली ये एक्स आ जाएगा तुम्हारा, ऐसा ये हो गया अप्रोच वन। ओ माय गॉड, ये कौन सा कलर आ गया, ये हो गया अप्रोच वन और ये हो गया अप्रोच टू, समझे गया, क्लियर है बात, ये दो अप्रोचेस हो गई, ठीक है क्या, ये दो अप्रोचेस हो गई। ठीक है क्या, ये दो अप्रोचेस हो गई, तो उसको समरी करके ऐसा लिख लो, समझे क्या, मतलब समरी करके ऐसा लिख लेना कि v बराबर, सवाल क्या है तुम्हारे पास, ऐसा लिखना उसको, सवाल ये है v इक्वल्स टू 5 - 5/3 t दिया है और ये भी गिवन है, ये पहला लिख लेना गिवन में और ये दूसरा लिख लेना, ऐसा ग्राफ अगर मत बनाओ, ग्राफ अगर सही तो तुमने इक्वेशन निकाली है, बात मत करो आपस में, ठीक है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन में ये दो चीज़ें गिवन है, ऐसा समरी करके लिखो, क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है, v इक्वल्स टू 5 - 5/3 t गिवन है और सेकंड चीज़ क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशंस गिवन है, t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 5 पूछा गया है, t इक्वल्स टू 6 पर x कितना होगा, पहली अप्रोच और दूसरी अप्रोच, ठीक है क्या, वो तो ऊपर कर चुका है, क्लियर है। मैं इसको फॉलो करता जबरन में, क्यों मेरे को एक्सटी जब पूछा नहीं साले, क्यों निकालू मैं फालतू का, जैसा कि वो बोल रहा है कि एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्यों निकालू मैं जबरन के एक स्टेप और, समझिए क्या। अब देखो एक्चुअल में मोशन हो कैसा रहा है, हाँ ये दोनों अप्रोचेस लिख लेना समरी करके, ऐसा फट से लिख ले, गिवन में दो पॉइंट्स लगा लेना, वी इक्वल्स टू 5 - 5/3 t, पॉइंट नंबर टू गिवन में टी इक्वल्स टू 0 पर एक्स इक्वल्स टू 5 है, टी इक्वल्स टू 6 पर एक्स इक्वल्स टू निकालना है, समझे क्या, और फिर ये टू फाइंड, ये वाली चीज टू फाइंड, सवाल को स्वीट वर्जन में ऐसे लिख लो, टू फाइंड टी बराबर 6 पर एक्स बराबर कितना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी स्लैंट हो गई क्योंकि मैं भी स्लैंट बैठा हूँ, समझे गया, तो खैर और आरा तिरछा हुए जा रहा हूँ, मैं तब से ये कोशिश कर रहा हूँ कि साइली पे लात ना पड़े और अभी तक तो सक्सेसफुल रहा हूँ, समझे गया, पर अगर पढ़ भी गई तो कोई गम नहीं डिस्टेंस ज्यादा है वैसे काफी, ऐसी होना चाहिए वैसे, समझे क्या, पलट के जवाब देने वाला, ऐसी लोगों को देखना जब घर में कॉमन फाइट वाइट होती है ना, तो ऐसी लोगों को घर के सामने भेजा जाता है कि जा भाई जा लड़के आ जा रहा कि देखना, हर घर में एक फाइटर जरूर होता है, समझे क्या, जैसी कहीं लड़ाई वड़ाई हुई जा तो साली जरा देख के तो आ भिड़के आ जरा, अरे बाप रे, होना भी चाहिए, ठीक है, क्या है नीचे, कुछ नहीं है नीचे, अरे सालो इसे सब पता था कि क्या है, साला अप्रोचेस लिखा गया है, अप्रोच होगा टी इक्वल्स टू 6 पे एक्स अपने को निकालना है, हाँ सेकंड अप्रोच में क्या बोल रहा, बोल, हाँ 0 से t, हाँ नहीं 6 कहाँ से आ गया, टी इक्वल्स टू टी पर अपने को किसी एक जनरल टाइम टी पर अपने को एक कोई जनरल एक्स निकालना है, समझ गया, 6 तो आया ही नहीं, कहाँ है 6, पहले तो मैं एक्स टी निकाल रहा हूँ, उसके बाद जिस टाइम पे पूछोगे उस टाइम पे बता दूंगा कि एक्स कितना होगा, जब एक्स टी आ गया है तो बताते चलना तू कि 6 पर कितना आ रहा है, 5 पर कितना आ रहा है, 4 पर कितना आ रहा है, क्या बोलो, समझेगा, टी इक्वल टू 4 पर उसकी पोजीशन कितनी है, टी इक्वल टू 3 पर उसकी पोजीशन कितनी है, जब एक्स टी आ गया है तब उसमें, समझेगा, वो तो किसी भी टाइम पर अपन उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, क्या बोलो, समझिएगा, उसके बाद इसी का अगला पार्ट लिखो, फाइंड द इंस्टेंट एट विच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0, फाइंड द इंस्टेंट, इसी का अगला पार्ट लिखो, फाइंड द इंस्टेंट, फाइंड द इंस्टेंट एट विच
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो, निकालो जरा। ऑल्सो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फुल स्टॉप करके ऑल्सो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, पार्ट से आना चाहिए आंसर इसका, दो मिनट में। ऑल्सो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल बोले तो जब तुमने स्टॉप क्लॉक शुरू किया, यानी टी बराबर जीरो, ऐसे। फाइंड द मोमेंट एट विच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो, फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हो गया। अबे ऐसा क्या महाग्रंथ कर रहे हो बे, क्या पूछा है, वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो करो वी बराबर जीरो, निकालो वो टी, क्या कर रहे हो इतना मचक मारी, और तो दिया ही हुआ है कब जीरो होगी, ग्राफ देख के देखो कब जीरो हो रही वेलोसिटी। बढ़िया, समझ गए, क्लियर है, टी बराबर थ्री पर हो रही ना वेलोसिटी जीरो, है? उसको इधर से भी करो, इधर से भी वही आएगा, आ रहा नहीं आ रहा है, टी बराबर थ्री पर वेलोसिटी जीरो आ रही नहीं आ रही है, तो सॉल्व कैसे करोगे, v बराबर एक मिनट, 5 बाय थ्री माइनस 5 बाय थ्री टी है, तो v बराबर जीरो एट, अरे यार हाँ भाई हाओ, छोटा मोटा तुम संभाल लिया करो यार, सर आपसे आगे भी गलती हो जाएगी ना फिर, इसीलिए हम बोल देते हैं, तो v बराबर जीरो सेट करके t कितना आ रहा है अपने पास, तीन, टी बराबर तीन सेकंड पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज बिकमिंग जीरो, समझे, इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी हो गई उसकी, है? क्या बकवास कर रहे हो भाई सालो, इसीलिए साले तेरे नंबर कटे हो जो दो तीन कटे ना एक्स्ट्रा फाकट के, अब समझ गया, वन बाय थ्री साले, है कितों का वन बाय थ्री आ रहा है बे, अब तुम समझ रहे हो ना उसके कहाँ नंबर कटे, समझेगा, इसीलिए साला 92 पे बैठा है वो, समझेगा, हाँ बस बढ़िया, लिखो उसको, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी है, 5 माइनस 5 बाय 3 टाइम 0, टी की वैल्यू कितनी पुट अप कर दोगे, 0, तो चीज़ कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, बात समझ गए हो, लिख लो पहले फटाफट स्पीड में, लिखो कर लोगे, उसके बाद इसी में अगला पार्ट लिखो, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन या एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट t इक्वल्स टू जीरो पर उस पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व की गई, ऐसा नहीं, हम लोगों ने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया ना, देख निकाला हुआ है, तो इनिशियल टाइम पर t इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी आ रही है वो हम लोगों ने निकाला, t इक्वल्स टू जीरो क्यों लिए, ये इनिशियल मोमेंट है ना, इनिशियल मोमेंट क्या है, t इक्वल्स टू जीरो है, उस मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी भाई, जैसे अगर तुझसे कोई पूछता है t बराबर 1 पे वेलोसिटी कितनी होगी, 5 माइनस 5 बाय 3 होगी, t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी, 5 माइनस 5 बाय 3 इंटू 2 होगी, तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 5 माइनस 5 बाय 3 टाइम 0, समझ गए क्या, इनिशियल मोमेंट पर, ठीक है, के बाद क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, समझ गए, इतना लिख लिया है, अच्छा उसके बाद लिखो अगला पार्ट, लिखो इसी सवाल का, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फुल स्टॉप, ऑल्सो कमेंट व्हाई, ऑल्सो कमेंट व्हाई द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज सेम एट टू टाइम्स, व्हाई द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज सेम एट टू टाइम्स, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज सेम एट टू टाइम्स, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज एट टी इक्वल्स टू जीरो एंड एट टी इक्वल्स टू थ्री, सॉरी टी इक्वल्स टू जीरो एंड एट टी इक्वल्स टू सिक्स, टी इक्वल्स टू जीरो एंड एट टी इक्वल्स टू सिक्स, पहले क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालो दाएं से, कितना आ जाएगा, कितना आएगा बे, अरे इतना क्या देख के बता दो आंसर, हो तो ओरल है, अरे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना सालो, दुनिया का सबसे आसान काम करना है,
वी पता है 5 - 5/3 टी कितना आ गया मनोजीत? एक्सेलरेशन कितना आएगा बे? लात खाओगे सालों अभी डी। अबे एक्सेलरेशन कैसे करेगा, डिफरेंशिएट कर दोनों साइड, -5/3। तो ये चीज कितनी हो जाएगी आरएचएस में, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, -5/3 को कॉमन बाहर रखो, टी का डिफरेंशियल 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, -5/3। ठीक है क्या, ऐसा क्लियर है चीज? अभी उसके बाद देखो, पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 0 कहाँ पर है, एक्स इक्वल्स टू 5 पर है। इनिशियल मोमेंट पर पार्टिकल कहाँ पर है, देखो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू 0, ये हो गया एक्स इक्वल्स टू 5, नंबर लाइन है। और उसके बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बोलो, इनिशियल मोमेंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो राइट वर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी +5, ऐसा इतनी स्पीड से वो सामने की तरफ जा रहा। एक्सेलरेशन उसका बोलो कहाँ पर है, माइनस। तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना उसका, ऐसा, समझ गए? तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी भाई, पहले कुछ दूर जाएगा फिर लौट के आवेगा, ऐसा। कहां पर, कहां तक जाएगा, टी बराबर कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, टी इक्वल्स टू 6 पर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही, यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है 0। तो क्या मोमेंटरली रुकेगा कि रुका ही रहेगा वहां, मोमेंटरली रुकेगा, एक्सलेशन तो हमेशा पीछे की तरफ एक्ट कर ही रहा है, समझ गए क्या? फिर आएगा वो पीछू, समझ गया, ऐसा पीछू आएगा। अब फिर अबे टी बराबर 6 पर नहीं सालो, टी बराबर कितने पर रुक रहा है वो, टी बराबर 3 पर रुक रहा सालो, अबे टी बराबर 3 पर रुकेगा ना बे गधेड़ो, टी बराबर 3 पर उसकी वेलोसिटी 0 आ रही है, समझे क्या? टी बराबर 6 पर उसकी पोजिशन क्या रहेगी अगेन, हाँ एक्स इक्वल टू 5, टी बराबर 6 पर अगेन वो एक्स इक्वल टू 5 पर ही तुमको खड़ा हुआ मिलेगा, समझ गए? कैसे जाएगा, नहीं पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी किधर है, दाईं तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो वो पहले रुकेगा, क्या कल के टाइमिंग नहीं, प्रेम का कल, एक्चुअल में कल प्रेम को और बाकी सबको बुला लेना है, ठीक है? प्रेम को मैं बोल दे कि व्हाट्सएप कर दूंगा कल उसको क्या करके आना है कल, ठीक है? प्रेम को व्हाट्सएप कर दूंगा तुरंत, और दूसरा बाकी वो प्रतीक्षा, ए प्रतीक्षा बोलता हूँ, धनश्री और उसके, धनश्री और उसको दोनों को 6:30 बजे बुलाया है, आधा घंटा 1 घंटा क्लास लेकर उनको छोड़ दूंगा मैं। बैच 1, अच्छा ठीक है, तो नहीं उनको भी बुला लूंगा, तो उनको कब पढ़ाऊंगा फिर, नहीं तो अभी वो 10वीं CBSE को ऑफ देते हैं, ठीक है? हाँ नहीं तो आज इनके लिए कैसा, मैं शीट वीट निकाल के रखूंगा भारी, और उसमें एकदम मरा देंगे उनको आज, समझे क्या? मस्त, कल छुट्टी तो है ही 5-10 सालों को। अरे बाप रे, अच्छा नहीं तो गणपति से अपने को क्या मतलब? तो अबे समझ रहे हो क्या? तो दो टाइम इंस्टेंट्स पर सेम पोजीशन क्यों आ रही, दिख रहा है क्या? क्लियर है बातें? तो अच्छी बैच मतलब अच्छा डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन मतलब तुम जितना मुझसे निकलवा सको तुम्हारे ऊपर है, ध्यान रखना, क्वेश्चनिंग माइंड होगा तो समझे क्या भाई? कद्दू अगर किसी ने क्रिएट किया तो कटेगा और सब में बटेगा, समझे क्या? हाँ और क्या, एक कद्दू ही तो है, क्लियर है क्या? हाँ लड्डू, अबे अभी वो सब बातें मत करो, समझे, माहौल खराब कर रहे हो इंसान। अब देखो है, अभी देखो एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट, ए साले ठीक है क्या, मैं बोलता हूँ देख, डोमिनोज का पिज्जा आ जाओ, हो जाए वॉर, बर्डी के श्रीनाथ वाली पाव भाजी, अब बोलो ऊपर बटर, अब बोलो, कुलचे यहाँ मिलते ही नहीं है यहाँ मिलते ही नागपुर, तो बनाते होगे लेकिन कुलचे यहाँ मिलते ही नहीं है, नहीं मिलते, है क्या बोला है? मैंने खाया ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है अच्छा ऐसा है क्या, तुम तो 2 दिन उपवास रख के जाते होगे, है नहीं? 750 है ना, है 750 में जो लूट जितना लूट सको, अब वही बारबेक्यू नेशन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी वो बारबेक्यू में रहता है ना ये 750 वाला, वहाँ रहता है ये, ठीक, मेरे को ऑफर आई थी किसी वजह से मैं जा नहीं पाया, समझे क्या? खैर वो बाद में वही बैक ऑफ कर गया, पता है कि उसके बाद वो बातचीत कैसी होने लगी, अरे 750 × 4 करेंगे तो यार 2800 रुपये, और इससे अच्छा 4 अगर कहीं बाहर जाते तो 1200-1300 में काम हो जाता, समझे क्या?
तो ये 2800 रुपये था यार, जमा नहीं ऐसा वैसा। तो फिर मैंने उसको बोला चलो यार छोड़ो, मेरे को ऐसा लग रहा था 1200-1300 भी उसका भी कैसा मतलब कहीं गड़बड़ा ना जाए, ठीक है कुछ तो मिले। वही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं से कुछ भला, समझे क्या, कुछ नहीं से कुछ भला। तो वहाँ साला पूरा ही गड़बड़ होते हुए दिख रहा था मेरा, मैंने बोला तुरंत तुरंत करके, अच्छा अच्छा ठीक है चले गए, चलो ये करते हैं इधर और इधर आ जाते हैं करके, ऐसा उस बार मैंने खुद ही सेट कर लिया, क्योंकि मेरे को दिख ही रहा था कि भाई नहीं पता चला कहीं ऐसा मन मार के अगर वो भी कैंसिल हो जाता, ठीक है तो गड़बड़ हो जाती। तो खैर वो KFC वाला कैसा है, KFC बोलता हूँ, बारबेक्यू वाला मेरा बनते बनते रह गया, क्योंकि खुद तो जाऊँगा नहीं मैं, समझे क्या, खुद तो जाऊँगा नहीं, ठीक है क्या, किसी ना किसी ने तो निकलवाऊंगा, ठीक है क्या। खैर तो इसमें अब देखो, अब अपने ग्राफ्स याद करो जरा, तुमको ये चीजें याद है कि नहीं याद है, स्लोप अगर कर्व इंक्रीजिंग है तो वो कैसा बनेगा, उसका जो स्लोप रहता है वो कैसा आएगा, नेगेटिव ए पॉजिटिव, याद आ रहा है क्या सब। कर्व अगर इंक्रीजिंग है तो वाई डैश कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और अगर मान लेते हैं स्लोप अगर इंक्रीजिंग है तो कर्व कैसा रहेगा, कनकेव, ऐसा। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, ये समरी हो गई अपनी, ठीक है के बाद। अब देखो जरा यहाँ पर, ये तुम्हारे पास फोटो है, हाँ ऐसा, ये बना के देखते हैं अपन, ये देखो यहाँ ये ऐसा है, क्या बोल रहा हूँ ठीक है क्या। अब देखो जरा प्यार से देखना, झटका मत लगना, ठीक है झटका मत लगने देना खुद को, ठीक है। कौन है बे, कौन है ये साले, हट साले सालो। तो इधर देखो वेलोसिटी देखो, पहले अपने को एक्सटी का कर्व ऐसा बनाना है सच दैट, एक्सटी का कर्व अपने को ऐसा बनाना है सच दैट जब अपन उसको डिफ्रेंशिएट करें, क्या है तुम्हारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, क्या बोल रहा हूँ समझिए क्या। इसका मतलब जो एक्सटी वाला कर्व रहेगा वो क्वाड्रेटिक रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक को जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तभी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो कर्व का नेचर कैसा रहेगा, क्वाड्रेटिक वाला, ये ऐसा कर्व टाइप का, ऐसा 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 कुछ इस टाइप का रहेगा, समझिए क्या। क्वाड्रेटिक का कर्व ऐसे ही रहता है ना, कनकेव रहेगा कन्वेक्स रहेगा ऐसा कुछ रहेगा। कर्व की नेचर कैसी रहेगी, क्वाड्रेटिक, समझ गए, क्या बोल रहा हूँ क्लियर है, कर्व की नेचर कैसी है, क्वाड्रेटिक। अब देखो टी इक्वल्स टू 3 पर, क्या अबे क्योंकि तू देखता जा बस यार, हाँ नहीं प्रेम अभी मैं थोड़ी देर में तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है घर कब तक पहुँचेगा, ठीक है मैं आधे घंटे में कॉल करूँगा, अभी घर पे कॉल है कि नहीं है ना, रुक सुन, कल तेरे को क्या करके आना है, वो टारगेट लेकर आना, समझेगा। हाँ और मैं एक वीडियो बना के भेजूंगा कंप्यूटर साइंस का आज आज, हाँ शाम को आएगा तो मैं तेरा काम बता दूंगा तेरे को, ठीक है अभी घर जाने के बाद वो टारगेट पूरा खत्म कर दे, समझ जाएगा, ठीक है पूरा खत्म कर दे। तो यहाँ देखो, ये देखो भाई यहाँ पर ये है तुम्हारे पास VT कर्व, ऐसा कुछ समझ गए, ऐसा कुछ VT कर्व है। तो मामला कैसे हो रहे हैं, T इक्वल्स टू ये 0 है, ये T बराबर 3 है, ऐसा ठीक है क्या। अब देखो जरा, ये V हो गया, ये T हो गया, ऐसा T इक्वल टू 3 पर अपन ने x कितना निकाला भाई, ए T इक्वल टू 3 पर x कितना निकाला अपन ने, T इक्वल टू 6 पर अपन ने x कितना निकाला है, 5 निकाला है, T इक्वल्स टू, ठीक है क्या, अरे कहाँ गए वैल्यूज, देखो क्या क्या दिया अपना, टी बराबर 0 पर कितना लिखा होता है, एक्स इक्वल टू 5 था, अगेन एक्स इक्वल टू 5 था, क्लियर है। तो एक्स बराबर 5 यहां पर होगा कहीं, ये हो गया एक्स बराबर 5, क्या बराबर समझिए क्या। अबे ये एक्स है ना, ये एक्स है तेरा, ये एक्स है और ये टी है, ये टी है, क्या बराबर समझ गए। तो पॉइंट पहले, एक सेकंड एक सेकंड, पॉइंट पहले टी इक्वल टू 0 पर एक्स कितना है तुम्हारे पास, 5, ये दिख रहा है क्या। तो पहले वो पार्टिकल यहां पर तो है, इतना मानते हो, अच्छा टी इक्वल्स टू 6 पर अगेन वो पार्टिकल यहीं पर है, यहीं पर है ना, एक्स इक्वल्स टू 5 पर यहां पर भी है, क्या बोल रहा हूँ क्लियर है क्या, अच्छा है ना। अब देखो आगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास, जो कर्व है वो कैसा कर्व है, कौन से टाइम पर, तुम देखो यहाँ बीच का एक टाइम ऐसा है जिसमें तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट कैसा है? अबे टी बराबर 6, टी बराबर 6, समझे, टी बराबर 6 पर अगेन तेरे पास ऐसी है ये फोटो, क्या बोल रहा हूँ क्लियर है क्या। अब देखो उसमें होगा क्या, तुम्हारे पास एक्स तुमको ऐसा खींचना है सच दैट उसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करो तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक, समझ गए क्या।
अब क्वाड्रेटिक अगर बनेगा तो क्वाड्रेटिक बनने में देखो दो या तीन केसेस हो सकते हैं। एक तो ऐसा केस बन सकता है, समझे क्या, या एक तो ऐसा केस बन सकता है, ऐसा कुछ। अब देखो इसमें कौन सा वो टाइम है जब एक्स इक्वल टू जीरो अगेन हिट हुआ है उसका, एक्स इक्वल टू जीरो वाला कौन सा टाइम रहेगा? हाँ ग्राफ अपन थोड़ा बाद में करेंगे, अभी एक्चुअल वरना तुम कंफ्यूज आ जाओगे, समझे क्या। अपन इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, ठीक है क्या, अभी क्लास ओवर करते हैं, ठीक है क्या, वरना अभी कैसा दिमाग पे चोट लगेगी अभी तुम्हारे, समझे क्या, ठीक है क्या, बहुत भारी चोट लगेगी, ठीक है, अभी क्लास ओवर करते हैं, ठीक है क्या। ये वाली चीज़ ग्राफ वाली हम लोग पहले छोटे छोटे कर्व्स पहले बहुत सारे बना के देखेंगे, उस बार आखिर में इसको लेंगे, समझे क्या। ये थोड़ा सा एक्चुअल में भारी पड़ जाएगा तुम्हें। टी इक्वल टू थ्री पे एक्स टी अपने पास कितना निकला हुआ था, एक्स है कितना अपने पास, कहाँ है एक्स, एक्स टी कितना आया था अपने पास, हाँ ये है ना अपने पास एक्स टी, कहाँ है एक्स, ये है नहीं, ये वाली जो चीज़ है एक्स जो अपने पास निकला ना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसके अगर तुम रूट्स निकालो तो वो रूट्स कितने आएंगे तुम्हारे पास, एक तो टी बराबर कितना आ रहा है देखो, इसके जो रूट्स आएंगे वहाँ पर एक्चुअल में एक्स बराबर जीरो आएगा। नहीं तो इसको ऐसे नहीं करना है एक्चुअल में, बताऊंगा ग्राफ कैसे बनाना करके, वरना भटक जाओगे। अभी वो ग्राफ बनाने पर मत जाओ, अभी जितना वो सवाल में करवाया गया उतना तो समझ में आया है, ठीक है क्या। कल तुम्हारा ऑफ रहेगा, ठीक है क्या, कल ऑफ रहेगा इसमें घर के लिए, लेकिन मैं तुम्हें जो जीपी और एचपी है ना उसको पूरा आगे तक ख़त्म कर डालो, समझ गए। हाँ तो जीपी एचपी पूरा ख़त्म कर डालो पूरा, समझे क्या। हाँ तो आज और कल में ये पूरा कैसा प्रोग्रेशंस वाली चीज़ तुम्हारी पूरी हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। क्या हो गया, ठीक है क्या, बात क्लियर है सब। तो आज और कल में स्ट्रेट लाइन पूरा उड़ा देना, समझे क्या, कोई उतना ज़्यादा काम नहीं, ये स्ट्रेट लाइन बोलता हूँ, सीक्वेंस और सीरीज, समझ गए, ठीक है। फिर अभी ओवर करते हैं, ठीक है, अबे रुको।